हेलो कोड अनविलियर्स, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरा वीक सिक्स में जितने भी आपके ग्रेडेड असाइनमेंट होंगे, चाहे कोई भी सेट हो, वो आप सॉल्व कर लोगे। जितने भी वीक सिक्स में आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे वो कंप्लीट होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे PYQ जो क्वेश्चन इस वीक से आए हुए आपके क्विज टू में, वो भी आपका रेडी हो रहा होगा। तो ये जो पूरा पैकेज है, ये कंप्लीट पैकेज होने वाला है आपका स्टैट्स वन वीक सिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो पाए। अब स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लिया है, लेकिन आपका फाउंडेशन बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से स्टार्ट होता है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आपको फैक्टोरियल पता है तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो बेसिक से स्टार्ट कर लें। देखो फैक्टोरियल क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल एंड इज डिनोटेड बाई एन फैक्टोरियल। ऐसे आप डिनोट करते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे भी एन फैक्टोरियल दिखाई दे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू ऐसे डॉट डॉट करके वन तक, ऐसा फैक्टोरियल निकालते हो। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि फैक्टोरियल फोर क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे? सेम अप्रोच निकालना है। अब जो नंबर दिया गया है वो नंबर लिखोगे, यहाँ पे फोर है तो फोर लिखोगे, और इसमें से एन माइनस वन करते चलोगे। यानी फोर में से वन माइनस करोगे क्या होगा? थ्री। थ्री में से वन माइनस करोगे तो टू। टू में से वन माइनस करोगे तो वन। तो ये इसका फैक्टोरियल आया कितना? फोर थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जो 24। यानी फैक्टोरियल फोर का जो आपका वैल्यू आता है वो आता है 24, और ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। एक इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना है ये रिमार्क, जो आपका जीरो फैक्टोरियल होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि नॉट डिफाइन नहीं होता है, ये डिफाइन होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू वन होती है। ये आप याद रखना, कई सारे क्वेश्चन में यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक एग्जांपल से समझते हैं जो अभी हमने पढ़ा फैक्टोरियल, कि कैसे फैक्टोरियल का यूज़ होता है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हमने इस पूरे सेशन में काफ़ी ज़्यादातर क्वेश्चन लिया है, हर टाइप का क्वेश्चन लिया है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या हो, आपका आप अप्लाई कहाँ पर करना है, कैसे करना है, कैसे सोचना है, वो भी आपका क्लियर हो जाए। पहला जो एग्जाम्पल है वो दे रहा है, देयर आर एट एथलीट्स हु टेक पार्ट इन ए 100 मीटर रेस। 100 मीटर के रेस में आपके एट एथलीट हैं जो पार्ट ले रहे हैं। वट आर द पॉसिबल वेज द एथलीट्स कैन फिनिश द रेस एज्यूमिंग नो टाइज। यानी कि आप ये देखो, आप खुद को देखो कि आप रेस में दौड़ रहे हो, 100 मीटर का रेस है। ठीक है, यानी कि मैं इसको एक एक ब्लॉक के रूप में दर्शाऊँ, इसमें एट एथलीट होंगे, 100 मीटर का रेस आप दौड़ रहे हो। सपोज करो ये आपका फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन और एट, यही तो पोजिशन हो सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, हाउ आर द पॉसिबल वेज द एथलीट कैन फिनिश द रेस, एंड कितना तरीका हो सकता है कि जिससे एथलीट क्या हो, रेस को फिनिश कर सके। देखो जो फर्स्ट पोजीशन पे रेस कंप्लीट करेगा, उसमें से क्या हो सकते हैं, कितने लोग हो सकते हैं? आठों आ सकते हैं, यानी कि आठ में से यहाँ पे आठ तरीके, आठ एथलीट हैं, तो आठ में से कोई भी हो सकता है जो क्या है, फर्स्ट है। लेकिन अब देखो जैसे जैसे आप नीचे मूव करोगे, आठ तो हो गए यहाँ पे, यानी कि जो फर्स्ट आ सकता है उसके चांसेस क्या है, आठ एथलीट रेस में भाग ले रहे हैं, यानी कि आठों के चांसेस हैं कि वो क्या आ सकें, फर्स्ट आ सकें। अब जो सेकेंड कौन आएगा, सेकेंड में ये होगा कि जो फर्स्ट आ गया वो तो अब सेकेंड नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे जो वेज होंगे या चांसेस होंगे वो क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेवन चांसेस हो गए, यानी कि इस पोजीशन पे सात लोग ही क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि पहला ऑलरेडी आ चुका है, फर्स्ट आ चुका है, वो फर्स्ट वाला सेकेंड पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेवन तरीके हो सकते हैं इसको फिल करने के, इसके सिक्स तरीके हो सकते हैं, इसके फाइव तरीके हो सकते हैं, इसके फोर तरीके हो सकते हैं, इसके थ्री तरीके हो सकते हैं, इसके टू और इसके क्या हो सकते हैं, वन तरीके हो सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये किस तरीके का है, इसको आप बोल सकते थे डायरेक्टली कि ये क्या है, आपका एट फैक्टोरियल है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्टली आंसर देने का कि 100 मीटर रेस हो रहा है और इसमें एट एथलीट दौड़ रहे हैं, तो क्या तरीका हो सकता है, कितना पॉसिबल वे हो सकता है एथलीट जो हो वो रेस को फिनिश करें, तो आपका आंसर होना चाहिए एट फैक्टोरियल। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लो, आपको फैक्टोरियल का जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। जैसे आपको पूछ देगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल होता क्या है, तो देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। आप पहले क्या करोगे, 6 फैक्टोरियल मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो आप इसको लिख सकते हो 6 × 5 × 4, और यहाँ पे क्या है, आप इसको 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे आपका 3 फैक्टोरियल गिवन है। अब आप क्या कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल क्या होगा, आपस में क्रॉस आउट हो जाएगा, और आपको कितने बचेगा, 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 120। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 120 होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है, काफ़ी बेसिक से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपको फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ वन वे तरीका है। अब मुझे नहीं पता है कौन किस लेवल पे है, लेकिन मान लो कि आपको सब कुछ आ रहा है, तब भी आप इसको थोड़ा सा स्पीड अप करके आप देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप मान लो कि काफ़ी टाइम हो गया होगा पढ़े हुए, तो आप कुछ मिस आउट कर दोगे, और सारा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आगे आगे आपके ग्रेड असाइनमेंट जब सॉल्व करोगे,
या फिर आप जब क्विज टू के क्वेश्चन देखोगे पीवाईक्यू क्वेश्चन के, तो आपको हेल्प मिलेगी, यहीं से आपके डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन बन रहे होंगे। इसलिए मैंने सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है, कुछ भी छूटे वाला नहीं है यहाँ पे। देखो 6 × 5 / 3 × 4 को सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो 6 × 5 × 4 × 3 ऐसा लिख सकते हो। और जो 5 है इसको आप लिख सकते हो 5 × 4 × 3। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 और 4 पे मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। अब इसको मैं 3 तक ना ले जाके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 भी लिख सकता हूँ केवल, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है। अब पूरा लिख के सॉल्व करने से अच्छा है कि इनको क्या कर लो, क्रॉस आउट कर लो। नीचे क्या है आपका, आपका नीचे गिवन है 3 और इनटू क्या है 4। अब आपको दिख रहा है कि आपका 3 से 3 निकल जाएगा, 4 से 4 निकल जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा 6 × 5 × 4 × 5, ये बचा ना, यहाँ पे 5 और ये वाला नंबर। तो इसको कैलकुलेट करोगे कितना होगा, 6 × 5 = 30, 34 = 120, 120 × 5 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 600। इसका आंसर क्या होगा, 600। तो समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें पूछा गया है एक्सप्रेस 25 × 24 × 23 इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल, इनको फैक्टोरियल के टर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे लिखोगे। तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है 25 × 24 × 23। अब मैं क्या करूँ कि इसको मैं आगे कंटिन्यू लेके जाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 23 तक ही दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 22 भी लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 20 में लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ, फिर यहाँ पे मैं 19 लिखता हूँ, और ऐसे ऐसे करते मैं इंटू 1 तक लिखता हूँ, ठीक है। अब हमने ऊपर इंटू किया है, तो अगर हम इसको नीचे इसी नंबर से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, हमारे इक्वेशन पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया था उसी से हम क्या करेंगे, उसी से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो 20 × 19 और ऐसे ऐसे करके इंटू 1 तक हमने क्या किया, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया, तो कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। अब आप देखो इसको 25 × आप करते करते 1 तक जा रहे हो, तो क्या इसको आप 25 लिख सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ पे आप 22 से स्टार्ट करके 1 तक जा रहे हो, तो क्या आपने इसका फॉर्मेट देखा और इसको आप क्या 22 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो जब आप लिख सकते हो तो आपने क्या कर दिया, इस वाले को एक्सप्रेस कर दिया किसमें, फैक्टोरियल फॉर्म में, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ में आया, अगले पेज पे चलते हैं, यानी कि अगला जो है कॉन्सेप्ट उसको सीखते हैं, और वो है परम्यूटेशन। अब हम देखते हैं परम्यूटेशन क्या होता है और इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देखो यहाँ पे, अ परम्यूटेशन इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑल और सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे जैसे ही परम्यूटेशन का नाम आता है, आप देखोगे कि आपका अरेंजमेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ऑर्डर्ड होना चाहिए। अगर ऑर्डर्ड नहीं है तो वो वहाँ पे परम्यूटेशन नहीं लगेगा। तो ये आपका की फैक्ट है, की टर्म है, आप इसको दिमाग में बैठा लो कि जहाँ पे परम्यूटेशन होगा वहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर मैंडेटरी है। परम्यूटेशन फॉर्मूला देखो, जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब आप क्या कर सकते हो, रिपीट नहीं कर सकते हो, तो क्या फॉर्मूला लगाते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, द नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज गिवन विद द फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी कि क्या है, पॉसिबल ऑफ परम्यूटेशन क्या है, इसमें से आर ऑब्जेक्ट लेने हैं और एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेने हैं, तो इसको आप इस फॉर्मूले से लगाते हो, या फिर आप इसको NPR से भी डिनोट कर सकते हो। क्या NPR, NPR बोले तो ये क्या होता है, NPR को आप लिखोगे, इसका फॉर्मूला होता है n·r·, ठीक है। NPR को आप ऐसे सॉल्व करते हो, n फैक्टोरियल ऊपर होता है और नीचे क्या होता है n − r·, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हैं जिनको आप याद कर लो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बार बार यूज़ में आएंगे। जैसे NP0 है, इसको आप कैसे लिखोगे, तो NPR हम ऐसे डिफाइन करते हैं, आप NPR के फॉर्म में इसको लिखो, n फैक्टोरियल ऊपर n है तो हम क्या लिखेंगे, इसको n फैक्टोरियल लिखेंगे। नीचे 0 है, हम क्या करते हैं, डिनोमीटर में से माइनस करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n − 0 फैक्टोरियल यहाँ पे करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ऊपर n फैक्टोरियल, और n में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल ही आएगा। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्रॉस आउट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 1 आएगा। यानी कि जहाँ पे भी आपको NPO लिखा हो, यानी कि n में से आपको 0 एलिमेंट सेलेक्ट करने हो और वहाँ पे परम्यूटेशन लग रहा हो, तो उसका डायरेक्ट क्या होगा, वैल्यू 1 होगा, 1 लिख सकते हो। दूसरा देखो, दूसरा है NP1, यानी कि आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो ऊपर लिखोगे n फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या करोगे, n − r करते हो, r की जगह पे 1 है, तो n − 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आप ऊपर लिख सकते हो n × और आप जैसे इसको आगे बढ़ाते हो आप क्या करते हो, एक माइनस करके ले चलते हो, आप इसको n × n − 1 का फैक्टोरियल ले सकते हो, और नीचे क्या है, n − 1 का फैक्टोरियल है, ये क्रॉस आउट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, n बचेगा। यानी कि जहाँ पे भी आपको NP1 दिखाई दे, आप वहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, n पुट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपका NPN है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसको लिखोगे n ऊपर और नीचे क्या होता है, n − r होता है, और r की जगह पे यहाँ पे n ही है, तो ये हो जाएगा n − n का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे n फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे क्या होगा, जीरो फैक्टोरियल। और हमने बताया था कि जीरो फैक्टोरियल बोले तो क्या होता है, ये वन होता है। तो आप जीरो को वन से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे n फैक्टोरियल मिलेगा। तो हमने देखा कि जहाँ पे n p n हो, यानी कि n में से n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, वो n फैक्टोरियल के बराबर उसकी वैल्यू होगी। समझ में आया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ क्वेश्चन है इसी के बेस पर, आप वो समझ लो। पहला जो क्वेश्चन पूछता है, वॉट आर द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी वेन वी टेक ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। यानी कि आपको ए बी सी में से सेलेक्ट करना है और आपको बताना है कि क्या पॉसिबल वे हो सकता है, क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या बात हो रही है, अरेंजमेंट की बात हो रही है, यानी यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है। ठीक है, ऑर्डर जब होगा तो वहाँ पे क्या लगेगा, आपका परम्यूटेशन लगेगा। अब हमने फॉर्मूला देखा है, अगर n एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और उसमें से क्या हमें r सेलेक्ट करना है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं एन पी आर। अब इस वाले को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टोटल थ्री आपके क्या है, थ्री ऑब्जेक्ट हैं, थ्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो n इक्वल टू थ्री होगा। और इसमें क्या लेना है, वेन वी टेक ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, और आप तीनों को एक साथ ले रहे हो, तो r यहाँ पे क्या होगा, थ्री होगा। अब फॉर्मूला लगा लो, एन पी आर का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा n के जगह पे, ये हो जाएगा 3p, और r के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आप लिखोगे 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या होगा, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इस ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और मैंने आपको बताया था कि 0 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 1 होता है, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6। ठीक है, यानी कि आपके 6 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं ए बी सी के, जब आप तीनों को एक साथ ले सकते हो। दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल इसी के बेस पे है, व्हाट आर द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी व्हेन वी टेक टू ऑफ देम। यानी कि आप तीन में से क्या लेना है, यानी कि आपके टोटल तो एलिमेंट तीन है, डिस्टिंक एलिमेंट, और इसमें से आपको केवल दो सेलेक्ट करना है, तो क्या तरीका हो सकता है। तो हमें फिर से फॉर्मूला लगाना होगा एन पी आर का, यहाँ पे एन क्या है, थ्री है, और जो आर है ये क्या है, टू है, तो आप लगाओगे थ्री पी टू। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, थ्री फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा थ्री माइनस 2 का फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 6 आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, काफ़ी बेसिक बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप आगे देखोगे कि आपको कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चन दिखाई देंगे, तो आपका बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अगला देखो, व्हाट आर पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी। अब देखो, चार अरेंजमेंट ले लिया है, और वेन वी टेक ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि डिस्टिंक एलिमेंट कितने हैं, चार हैं, और आपको सभी को एक साथ लेना है, यानी कि आर जो बोल रहा है आप चारों को लेना है। अब इसका क्या लगाना है, पॉसिबल अरेंजमेंट लगाना है, तो इसमें फॉर्मूला भी क्या लगेगा, एन पी आर लगेगा। हमें पता है एन क्या है, फोर है, और जो आपका आर है वो क्या है, फोर है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका फोर फैक्टोरियल लास्ट में आएगा, और इसका आंसर जो होगा वो होगा 24। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, अब मैं एक बार फिर से बताता हूँ। फोर है तो ऊपर क्या होगा, फैक्टोरियल फोर होगा, और नीचे भी क्या होगा, नीचे फोर माइनस फोर कर दोगे तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो मतलब यानी कि इसका फोर फैक्टोरियल आया, और फोर फैक्टोरियल मिल ले तो 24 होगा। वॉट आर द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी वेन वी टुक टू अबाउट देम। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं वो चार हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट कितना करना है, इसमें आपको दो सेलेक्ट करना है। तो आप उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, आप लिख सकते हो एन पी आर का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे एन क्या है, फोर है, और जो आपका सेलेक्ट करना है उसमें से दो ही सेलेक्ट करना है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना होगा, ऊपर होगा आपका फोर फैक्टोरियल, और नीचे क्या होगा, फोर माइनस टू का फैक्टोरियल, यानी कि आप इसको लिख सकते हो फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे आपका क्या है, 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये क्या होगा, 12। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 12। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला जो है थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, एक एक स्टेप लेवल बढ़ाते चलेंगे हम क्वेश्चन के, यानी कि आपको ज़्यादा आसान भी ना दिखे और काफ़ी हार्ड भी ना मिले। एक सीक्वेंस में आप जब करोगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ग्रेडेड असाइनमेंट तक पहुँचते हैं। आपको ग्रेडेड असाइनमेंट बीच में मिलेगा, यानी लास्ट तक हम ग्रेडेड असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद पी वाई क्यू को सॉल्व करेंगे। अगर मान लो कि जो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी में है वो डायरेक्ट ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व करना चाहते हैं तो वो जंप कर सकता है वीडियो में। ठीक है, फिर बोल रहा है अगला क्वेश्चन, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। आपको बोल रहा है कि 8 पर्सन है, यानी कि ए मान लो, बी मान लो, सी, ऐसे करके कितने 8 पर्सन है, टोटल 8 एलिमेंट्स है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है, 8 दी गई है। अब इसमें से बोल रहा है कि दो हमें सेलेक्ट करने हैं, हमें मान लो कि हो सकता है कि ए जो है वो चेयरमैन हो, दो ही हमें सेलेक्ट करना है, दो एक चेयरमैन हो और बी क्या हो, बी आपका वाइस चेयरमैन हो, ये एक तरीका हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि मान लो कि बी क्या हो, बी आपका चेयरमैन बन जाए और क्या हो जाए, और जो ए है वो क्या हो जाए, वो आपका वाइस चेयरमैन बन जाए। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप अगर ए को चेयरमैन बना रहे हो और बी को वाइस चेयरमैन बना रहे हो,
और बी को चेयरमैन बना रहे हो और ए को वाइस चेयरमैन बना रहे हो, तो दोनों का क्या है, दोनों के ऑर्डर आपके क्या है इंपॉर्टेंट है, दोनों के ऑर्डर मैटर करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप दोनों का रिप्लेस कर रहे हो तो ये क्या आ रहा है, पूरा का पूरा कंडीशन चेंज हो रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ऑर्डर यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, ऑर्डर मैटर करता है। तो जहाँ पे भी ऑर्डर मैटर करेगा आपको पता कैसे लगेगा कि हमें यहाँ परम्यूटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है, तो जहाँ पे आपको दिखेगा ऑर्डर वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे आपका परम्यूटेशन लगेगा। ठीक है, अब हमें बताया क्या जा रहा है, 8 पर्सन है, उसमें से हमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करना है, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना एन पी आर वाला, क्योंकि हमें यह भी पहले कंफर्म करना होता है कि हम कहाँ परम्यूटेशन लगाएंगे कहाँ कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो जहाँ पे हमें ऑर्डर दिखे वहाँ पे आँख मूंद के क्या लगाओ, आप परम्यूटेशन लगाओगे। अब यहाँ पे होगा एन की वैल्यू क्या है 8 है और आर की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 8p2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा 8 - 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर होगा 8 फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट आउट हो गया तो ये कितना होगा 56। यानी कि 56 तरीके से इन दोनों को सेलेक्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें दो सब क्वेश्चन है, उनको ध्यान से देखना आप। 6 people go to cinema, यानी कि टोटल जो है 6 लोग हैं जो कहाँ पे जा रहे हैं, सिनेमा घर में जा रहे हैं। दे सिट इन ए रो विथ 10 seats, यानी कि टोटल जो है n यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे सिट इन ए रो विथ 10 seats, यहाँ पे n जो है वो 10 seats है। ठीक है, 10 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और लोग कितने जा रहे हैं, लोग आपको जा रहे हैं 6, यानी कि r यहाँ पे क्या है 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। दे सिट इन ए रो विथ 10 seats, फाइंड हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ दिस कैन विजिट कैन सिट एनीवेयर, यानी कि 10 सीट हैं। अब ऑब्वियस ये बात है कि 6 लोग हैं तो कुछ खाली भी होगा, लेकिन आपको उसमें ये नहीं मैटर करता है कि बीच वाला छोड़ना नहीं है या फिर 2 छोड़ के बैठना, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी बैठ सकते हो। यानी कि यहाँ पे क्या है, आपको 10 पोजीशन मिल रहा है और 10 में से क्या आपको सेलेक्ट करना है, केवल आपको 6 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लगाओगे, इसका जो फॉर्मूला लगाओगे NPR, इस पर लिखोगे 10 ऊपर, 10 में से सेलेक्ट कितना करना है, 6 को सेलेक्ट करना है, 6 ईयर को बैठाना है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 15 1200। ठीक है, अब इसी में स्लाइटली डिफरेंस आपका क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है। अब ये तो बोल रहा है कि 6 लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, दे सिट इन रो विथ 10 seats, 10 सीट भी है, यहाँ पे एन क्या है 10 है। फाइंड हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ ऑल एम्प्टी सीट्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि जितने भी एम्प्टी सेट होंगे वो क्या होगा एक साथ हो। जैसे मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि मान लो ये सीट है, मैं सिनेमा घर है ये, और यहाँ पे सीट है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ये क्या है टोटल 10 सीट है। अब आपको भी पता होगा कि जब 6 लोग जाएंगे तो क्या होता है कि अगर मान लो ये ऐसे बैठेंगे तो सीट जो होगा कुछ ऑक्यूपाइड रहेगा, कुछ विदाउट ऑक्यूपाइड रहेगा, कुछ खाली ऐसे रह जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि आप देखो जितने लोग भी जा रहे हो 6 लोग, वो क्या करोगे, वो एक साथ बैठोगे और जो एम्प्टी सीट होगा वो एक दूसरे के साथ रहेगा। यानी कहने का मतलब कि 6 लोग कहाँ पे बैठेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोग क्या करेंगे एक साथ यहाँ पे बैठेंगे और जो 4 जो खाली सीट बचेगा वो एक साथ रहेगा। ठीक है, यानी कि ये एम्प्टी वाला हो गया जिससे कि आगे कोई अगर आना चाहे तो उसको सीट मिल सके। यहाँ पे एम्प्टी है और यहाँ पे क्या है 6 लोग बैठेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जो एम्प्टी वाला सीट है इसको हम एक पोजीशन मान लेते हैं, यानी कि एक वे मान ले सकते हैं इसको रखने का। यानी कि एक तरीका ये हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 6 तरीके से लोग बैठ सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, 6 + 1 = 7 तरीके हैं, यानी कि टोटल जो एन है वो क्या अब हो गया हमारा, एन अब 10 ना हो के, क्योंकि 10 में से हमें कंडीशन दे दिया कि जो भी एम्प्टी सीट है वो एक साथ होने चाहिए। तो हमारा जो 10 वाला है एन वो क्या हो गया, अब चेंज हो गया 7 में, क्योंकि एम्प्टी को हमने एक ब्लॉक मान लिया और 6 वाले को यानी कि 6 जो सीट है वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। यानी 6 लोग यहाँ पे बैठेंगे और एक सीट की, यानी कि इन दोनों में हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है, हमें टोटल 7 ऑप्शन मिल रहा है। और कितने लोगों को बैठाना है, इसमें से हमें 6 लोगों को बैठाना है, तो ये हो जाएगा 7p6। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर होगा आपका 7 फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा 7 - 6 फैक्टोरियल। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये आपका आएगा 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा 5040। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, यानी कि 5040 वे से आप क्या कर सकते हो, इनको बैठा सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है जब रिपीटेशन अलाउड हो। अभी हमने देखा कि रिपीट नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या होगा जब रिपीट आप कर सकते हो, यानी कोई पर्सन को रिपीट कर सकते हो, तो कैसे आप फॉर्मूला लगाओगे। द नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लगाते हो और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, एन का पावर आर से रिप्रेजेंट करते हो।
ठीक है, समझ में आया। यानी कि n डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो और जो चार क्या हो, चार ऑब्जेक्ट हो और आप इसको रिपीट कर सकते हो, तो n का पावर r हो जाता है, ये याद रखना। अब देखो याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग लगाओगे तो आप कर लोगे। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसको ध्यान से समझो, ये रिपीटेशन अलाउड वाला ही क्वेश्चन आपके सारे के सारे मिलेंगे। वॉट आर द ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी वेन वी टेक ऑल ऑफ देम एट ए टाइम इफ रेपिटेशन इज अलाउड। पहले क्या था, रेपिटेशन अलाउड नहीं था। अब यानी कि ए बी सी हमें फॉर्म करना है। अब मान लो कि ए बी सी तीन है और हम तीनों को एक साथ ले रहे हैं, तो आप मान लो कि आप क्या कर रहे हो, इनको बैठाना है, ये तीन सीटें हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप तीनों को बैठा सकते हो, ए बी सी तीनों यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी क्या हो सकता है, तीनों बैठ सकते हैं, क्योंकि ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ पे जो बैठ गया वो यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे सारे के सारे रिपीट करके भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे तीन चांसेस हो सकते हैं, तीन तरीका हो सकता है बैठाने का, ए बी सी कोई बैठ सकता है, यहाँ पे भी तीन तरीका हो सकता है और यहाँ पे भी क्या होगा, तीन तरीका हो सकता है। यानी कि टोटल जो तरीके होंगे क्या होगा, आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आएगा, 27 आएगा। ये तो हो गया एक सिंपल तरीका, सिंपल अप्रोच। अगर मान लो कि आपको फॉर्मूला लगाना है, आप देख रहे हो कि रिपीटेशन अलाउड है और हमने अभी पढ़ा किसका फॉर्मूला होता है, एन का पावर आर। अब हम देख रहे हैं कि एन क्या है, यहाँ पे एन जो है थ्री है और क्या है, एक साथ हमें तीनों को ले लेना है, तो आर क्या है, यहाँ पे थ्री है। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, एन का पावर आर यानी कि थ्री का पावर थ्री, और ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से करो, दोनों क्या है, आसान है, आपको जो समझ में आए वैसे कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी व्हेन वी टेक टू ऑफ देम एट अ टाइम इफ रेपिटेशन इज अलाउड। रेपिटेशन अलाउड है, अब हमारे पास क्या है, केवल दो लेने हैं, और जब हम दो लेंगे तो मान लो दो ब्लॉक लेने हैं, तीन हम नहीं ले सकते, तो दो जब ब्लॉक लगे तो यहाँ पे हम तीन को बैठा सकते हैं, ए बी सी कोई को, और यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, तीन को बैठा सकते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने तरीके हो सकते हैं, 9 तरीके हो सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो आपको पता है कि टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, तीन है ए बी सी। आपको सीट कितना लेना है, एक बार में कितना बैठाना है, टू ऑफ देम को बैठाना है, तो आर यहाँ पे क्या है, टू है। अब आप फॉर्मूला लगाओ, एन का पावर आर, एन का पावर आर, एन क्या है, थ्री है, आर क्या है, टू है, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और इसका इसका आंसर क्या होगा, 9। समझ में आया। अब देखो कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, इसको समझो आप। रीअरेंजिंग लेटर, ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि अगर आपको लेटर को रीअरेंज करना होता है तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन पी ऑफ देम आर वन काइंड एंड रेस्ट डिस्टिंक्ट इज इक्वल। यानी कि एन ऑब्जेक्ट अगर हैं और उसमें से जो पी हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है, कैसे समझ में आएगा, एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में और बेहतर तरीके से आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट लिया और उसमें से पी जो होंगे वो एक तरीके के हैं, और जो पी को छोड़ के और दूसरे जो हैं वो क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, यूनिक हैं। तो अगर ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं, एन फैक्टोरियल होते हैं और जो एक जैसे हैं उनको हम प्री फैक्टोरियल यहाँ पे लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो, यहाँ पे सपोज वी वांट टू रीअरेंज द लेटर इन द वर्ड डेटा। आपको क्या करना है, जो रीअरेंज करना है लेटर किसके, डेटा को, हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन। अब देखो इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे आप देखो जो डेटा दिया गया है, डी ए टी ए, अब इसमें बताओ कि इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितने हैं, डिस्टिंक्ट नहीं बोलो आप, कितने ऑब्जेक्ट इसमें दिखाए दे रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसमें टोटल कितने हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं। अब इसमें से आप देख रहे हो कि दो कैसे हैं, टू ऑफ देम क्या हैं, वो क्या है, ए है, और ये क्या है, एक कैसे हैं, ये वन काइंड है, यानी मिलते जुलते हैं, ये दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि चार ऑब्जेक्ट हैं और चार में से दो क्या हैं, आपके एक जैसे हैं। तो हमने देखा कि अगर एन ऑब्जेक्ट हैं और पी क्या हैं, उसमें से एक जैसे हैं, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हम लगाते हैं एन फैक्टोरियल और अपॉन पी फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप बताओ एन क्या है, एन यहाँ पे 4 है और पी क्या है, यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे 2 है। तो अब इस फॉर्मूला में पुट करो, n फैक्टोरियल बोले तो 4 फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल बोले तो यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, वन काइंड कितने हैं, a जो है दो बार आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये होगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और ये क्या हो गए, t 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल निकल गया, अब ये कितना हो गया, 12। यानी कि टोटल 12 तरीके होंगे डेटा को अरेंज करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, सिमिलर पैटर्न पे है लेकिन थोड़ा आपको और एक्सटेंडेड लेवल पे समझने की कोशिश करना होगा इसको। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर पी वन इज वन काइंड, पी टू इज वन काइंड एंड सो पी के इज केथ काइंड इन द गिवन बिलो। यानी कि आपके एन ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और उसमें से पी वन एक तरीके का है, पी टू अलग तरीके से है, पी के अलग तरीके से, तो आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे एन फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, जितने भी आपके वन काइंड वाले हैं उनको नीचे फैक्टोरियल करके लिख दोगे। समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, इसके लिए आपको एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू पूरा 100% है कि आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल बोल रहा है, सपोज वी वॉन्ट टू रीअरेंज द लेटर इन द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स एक वर्ड है और इसको आपको रीअरेंज करना है। हाउ मेनी वेज कैन बी डन, कितना तरीका हो सकता है इसको रीअरेंज करने का। तो सबसे पहला जो तरीका होता है, आप इसमें काउंट करोगे कितने लेटर हैं, तो आप काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने हैं, आपके 10 ऑब्जेक्ट हैं। अब 10 ऑब्जेक्ट हैं, डिस्टिंक्ट कितने हैं, कितने एक जैसे हैं, तो आप देख रहे हो कि एस एक आ रहा है, एक टी आ रहा है, और क्या आ रहा है, एक ए आ रहा है और एक आई आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, सी आ रहा है। यानी कि इसमें से आपके डिस्टिंक कितने हैं, 5 हैं।
अब इनमें देखना है कि एस कितने बार रिपीट हो रहा है। तो आप जब एस को देख रहे हो तो एस जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, टी को जब देख रहे हो तो ये भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है, और जो ए है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, ये केवल एक बार आ रहा है। आई कितने बार आ रहा है, आई जो है आपका 2 बार आ रहा है, तो आप इसके नीचे 2 रखोगे। सी कितने बार आ रहा है, सी हम देख रहे हैं इस वर्ड में आपका 1 बार आ रहा है, यानी कि आपको जो एन दिखाई दे रहा है, एन कितना है, ये आपका 10 है, ये आपका हो जाएगा P1, ये क्या हो जाएगा आपका P2, ये क्या हो जाएगा आपका P3, और ये क्या होगा P4, और ये क्या होगा P5। जितने भी बार रिपीट हो रहे हैं उनको आपको नीचे लिखना होता है। अब फॉर्मूला पता है आपको अरेंज करने का, जो पॉसिबल वे होगा कितना तरीका हो सकता है, ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कितना बोला हो, 10 है एन, तो ये होगा 10 फैक्टोरियल, और पी फैक्टोरियल में ये जितने सारे आपके फैक्टोरियल दिख रहे हैं, जितने बार ये रिपीट हो रहे हैं लेटर वो लिख दो आप, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल × 1 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल × 1 फैक्टोरियल। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 5400, यानी 50400 तरीके से क्या कर सकते हो आप, स्टैटिस्टिक जो लेटर हैं उसको रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया, तो आपको कुछ करना नहीं होता है, आप इस फॉर्मूले को देख लो, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, यानी कि एक लेटर देख लो कितने टोटल हैं, एन पता चल गया, उन लेटर में से यानी कि जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट को हटा दो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट में कितने बार वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, आप उनके नीचे लिख लो, एस 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 टी जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, A 1 बार हो रहा है, I 2 बार हो रहा है, इन सारे को नीचे लिख दो, उसको डिवाइड कर देना है 10 फैक्टोरियल को, तो आपका जो भी आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट आपका आता है कॉन्सेप्ट, वो आता है सर्किल में, सर्किल में कैसे बैठाते हो। तो द नंबर ऑफ वेज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज इन ए सर्कल, यानी कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उनको सर्कल में आपको अरेंज करना है, तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट, ये दिया होगा कि आपका ये वाला मेंशन दिया होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, डिफरेंट है, तो क्या तरीका हो सकता है बैठाने का एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को, तो आप ये करोगे n-1 फैक्टोरियल, ये क्या होता है, इतने तरीके से आप क्या कर सकते हो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को बैठा सकते हो सर्किल में। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, जैसे हमने ये देख लिया फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल होता है सर्किल के लिए, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो, डिफरेंट हो, तब ये लगेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी वेज कैन 4 पीपल सिट इन ए राउंड टेबल, अब यहाँ पे एंटी क्लॉक और क्या दिखा रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो आप इसको देखना है कि कितना तरीका हो सकता है कि जो 4 पीपल हैं उनको राउंड टेबल पर बैठा सकें, तो क्या तरीका हो सकता है, आप देखोगे हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला लगता है, हमें लगता है n-1 का फैक्टोरियल, एन क्या है, हमें 4 लोगों को बैठाना है, तो क्या तरीका हो सकता है 4-1 का फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 × 2, यानी कि 3 × 2 × 1, यानी कि 6, यानी कि 6 तरीके होंगे 4 लोगों को राउंड टेबल बैठाने के। अब देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्यों मतलब n-1 फैक्टोरियल होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो कि हमें ए बी और सी हैं, इन तीनों को बैठाना है आपके राउंड टेबल पर, क्या क्या तरीका हो सकता है, सपोज करो हमने क्या किया, ए को यहाँ पर बैठा दिया, बी को यहाँ बैठा दिया और सी को यहाँ बैठा दिया, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका हमने ये देखा कि बी को यहाँ बैठाया, ए को यहाँ बैठाया और सी को क्या बैठाया, यहाँ बैठाया, क्या और कोई तरीका हो सकता है, हमें ये तरीका है, ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और सी के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, 2 तरीके हमें दिख रहे हैं, और हम क्या तरीका देख सकते हैं कि दूसरा तरीका भी हो सकता है, देखते हैं, जैसे हमने बी और ए को यहाँ पर रिप्लेस किया, अब क्या करते हैं हम, अब हम यहाँ पर सी को बनाते हैं, जैसे हमने क्या किया, अब यहाँ पे सी को बैठाया और यहाँ पे क्या बैठा है, यहाँ पे मान लो ए को बैठा है और ये यहाँ पे क्या बैठा है, बी को बनाया, अब देखो क्या ये अलग तरीका है बैठाने का, तो कैसे चेक करेंगे, ये चेक करो आप, सी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, अब यहाँ पे देखो कहीं सी के बाद आ रहा है ए, यहाँ पे भी सी के बाद ए आ रहा है, फिर देखो ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यहाँ पे भी देखो ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, फिर यहाँ पे देखो बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, यहाँ पे भी बी के बाद सी आ रहा है, यानी कि ये यूनिक तरीका नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब 3 लोग हैं और 3 लोगों को जब सर्किल में बैठा रहे हो तो क्या तरीका आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है n-1 फैक्टोरियल, यानी कि आप 2 तरीके से बैठा सकते हो, तो इसको आप फॉर्मेटिक मतलब फॉर्मूला में लगा के ऐसे लिखा सकते हो कि हमारे पास 3 जब थे तो 3-1 फैक्टोरियल होगा, यानी कि 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 तरीके। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जितने भी पोर्शन होते हैं उसमें से 1 माइनस करके उसका फैक्टोरियल ले लो, उतने ही तरीके हो सकते हैं उसको सर्कल में बैठाने के। ठीक है, तो वही यहाँ पे डिराइव हुआ है n-1 फैक्टोरियल, जितने भी आपको एलिमेंट दिए गए हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उनको राउंड टेबल बैठाना है, तो उसमें से 1 माइनस करके उसका फैक्टोरियल ले लो, वही उसका आंसर होगा। लेकिन जब आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोल दे कि सेम है, यहाँ पे डिफरेंट था, यहाँ पे सेम बोल दें, तो ऐसे केस में आपको क्या लगाना होता है, n-1 फैक्टोरियल करके उसको डिवाइड कर देते हो 2 से। अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझो, हाउ मेनी वेज कैन 4 पीपल, यहाँ पे 4 पीपल ही है, इन ए राउंड टेबल व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम, यहाँ पे आपको मेंशन करेगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, दोनों सेम है, तो आप क्या लगाओगे, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि आपको लगाना है n-1 का फैक्टोरियल और डिवाइड 2, यानी कि सेम n-1 फैक्टोरियल तो करना ही है, लेकिन आप 2 से इसको डिवाइड कर दो,
जैसे इसने बोल दिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, सेम है, तो आपको एन दिख रहा है 4, तो आप 4 - 1 करोगे और इसका फैक्टोरियल होगा 2। अब हमने ये निकाला हुआ है 4 - 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, तो 6 को डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि टोटल जो आएगा वो आएगा 3। तीन तरीका हो सकता है चार लोगों को बैठाने में राउंड टेबल पर, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो, सेम हो। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला जो देखो क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं और ये आपका परमुटेशन में एक इक्वेशन दे दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है और एन की वैल्यू निकालना है। तो देखो स्टेप टू स्टेप समझो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। देखो एन पी आर है तो आप इसको क्या लिखते हो, हमें पता है कि जब एन पी आर, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, लिखते हैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ। ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा एन फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा, एन माइनस 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको इक्वल करो और ये क्या लिखोगे आप, 20 इंटू ऊपर है एन फैक्टोरियल, आर में 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व करो, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको लिख दिया, अब देखो एन फैक्टोरियल यहाँ पे दिख रहा है, फर्दर सॉल्व करने से पहले हमें यही दिख गया, एन फैक्टोरियल यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, एन फैक्टोरियल है, तो दोनों क्या हो गए, क्रॉस आउट हो गए। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये आ जाएगा एन माइनस 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, इसको नीचे आएगा आपका एन माइनस 4 फैक्टोरियल और ये क्या होगा, इक्वल होगा 20 के। ठीक है, अब एन माइनस 2 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन माइनस 2 फैक्टोरियल को जब सिंप्लीफाई करना होता है तो हमें माइनस करते चलना है 1, तो एन माइनस 2 माइनस, अब क्या करोगे, ये एन माइनस 2 होगा एक और इसके बाद क्या होगा, एन माइनस 2 माइनस 1 करोगे, फिर उसके बाद क्या होगा, एन माइनस 2 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, ये आप इसको लिख सकते हो, एन माइनस 2 माइनस 1 को आप कितना लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो एन माइनस 3 लिख सकते हो, और ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, एन माइनस 2 ही रहेगा, तो हम इसको आप काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जगह पर हम यही लिखना है, फिर जब इसमें से एन माइनस करोगे तो क्या होगा, एन माइनस 4 होगा और यहाँ पर फैक्टोरियल लगाओगे। नीचे क्या है, नीचे आपका है एन माइनस 4 का फैक्टोरियल और इक्वल टू 20 है। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, हमें ऊपर n माइनस फैक्टर फोर का दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, दोनों क्या हो गए, क्रॉस आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास दिखा n माइनस 2 और यहाँ पे क्या दिखा, n माइनस 3, दोनों किसके इक्वल हैं, 20 के इक्वल हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इक्वल टू 20। 20 को आपको इधर लेके जाना है, ये क्या बन जाएगा, ये आपका मिलेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 और ये होगा 0 के बराबर। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल गया और इसको हमें सॉल्व करने आता है, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो ये मिलेगा आपको n माइनस 7 और क्या मिलेगा, n प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको n की दो वैल्यू पता चल रही है, एक वैल्यू पता चल रहा है n इक्वल टू 7 और n क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। अब हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो जो हमारा फाइनल n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 7 आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, 7 होगा और इसी क्वेश्चन का यही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरीका है, आपका एक क्वेश्चन दिया गया है 5PR इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1, तो आपको R की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंप्लीफाई करते जाना है, आपको NPR वाला जो फॉर्मूला है वो लगाते जाओ। NPR मतलब होता है क्या, आपको n फैक्टोरियल और नीचे क्या लिखना होता है, n माइनस आर फैक्टोरियल लिखना होता है। आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते जाओ, आप इसको लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हो, ये क्या होगा, इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा, 6 माइनस आर माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका फैक्टोरियल आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका होगा 5 फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा, 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे 2 इंटू, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल होगा ही और यहाँ पे दिख रहा है 6 माइनस आर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 जब है तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व करो, ये होगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर का फैक्टोरियल और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो ये 2 तो रहेगा ही, 6 को आपको लिख सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। जो 7 माइनस आर फैक्टोरियल है इसको आप क्या करना है, एक एक माइनस करते हुए लिखना है, तो 7 माइनस आर लिखोगे, इसमें से फिर एक माइनस करोगे तो क्या होगा, ये 6 माइनस आर हो जाएगा और जो इसमें से फिर एक माइनस करोगे तो क्या होगा, 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस आर और ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल होगा। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है और यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल है, ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे, 5 माइनस आर फैक्टोरियल यह भी है, दोनों क्रॉस आउट हो गए। अब हमें इधर क्या बचा, इधर में बचा 1 और इधर क्या बचा आर एच एस में, ये बचा 2 इंटू यहाँ पे 6 बचा और डिवाइड में क्या बचा 7 माइनस आर और ये क्या है 6 माइनस आर। ठीक है, अब इसको आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलेगा 7 माइनस आर और 6 माइनस आर इक्वल टू 2 इंटू 6, ये हो जाएगा 12। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 30 आर प्लस 42 और ये 12 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर
और 14 में से 12 करोगे कितना आएगा, 30 आएगा और इक्वल टू 0। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल गया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आपको आता है, तो इसका जो फैक्टर निकालोगे तो ये होगा r माइनस 10 और ये कितना होगा r माइनस 3 होगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो आपको r की वैल्यू पता चलेगी, एक होगा r इक्वल टू 10 और r की एक वैल्यू क्या पता चलेगी, 3 पता चलेगी। अब आपको बताना है कि दो हमें अगर वैल्यू पता चल रही है तो इसमें से r की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, वो तुरंत उठाएंगे और 10 की वैल्यू यहाँ पे मार्क कर देंगे कि r की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 10। लेकिन r यहाँ पे 10 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? कि जो r की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी या फिर बराबर होती है n की। यानी कि जो आपका n ऊपर होते हैं वो बड़ा हो सकता है या फिर बराबर होगा r का, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि r क्या हो, r n से बड़ा हो जाए। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो r की अगर वैल्यू हम 10 लेते हैं, जब आप r की इक्वल टू 10 देख रहे हो तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो जो r है वो क्या हो जा रहा है, r ग्रेटर देन हो जा रहा है n के। ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम r की वैल्यू यहाँ पे 10 नहीं दे सकते हैं। r की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो r की वैल्यू यहाँ पे होगी 3 और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने कॉम्बिनेशन का जो सिंपली आपका कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया, उस पर कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो ध्यान रखना कि हमने कॉम्बिनेशन और कॉम्पिटिशन में देखा था, कॉम्पिटिशन में देखा था कि यहाँ पे ऑर्डर मैंडेटरी होता है। ऑर्डर क्या होता है, वहाँ पे होना चाहिए ऑर्डर, अगर बिना ऑर्डर के हो रहा है तो आप वहाँ पे कॉम्पिटिशन ही लगाओगे। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्डर की नीड नहीं होती है। जैसे इसके डेफिनेशन में बोलो, द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाई एन सी आर। ठीक है, इसको एन सी आर से आप डिनोट करते हो। अब जैसे हमने एन पी आर लगाया था फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ध्यान देखना दोनों में डिफरेंस होता है, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं दोनों में, कैसे याद करना है। एन पी आर बोले तो ऊपर होता है आपका एन फैक्टोरियल और नीचे क्या होता है, एन माइनस आर। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका एन सी आर आ गया, यानी कि यहाँ पे होगा एन फैक्टोरियल और नीचे क्या होता है, नीचे पहले होगा आर फैक्टोरियल और फिर इंटू और ये क्या होगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यानी कि सी से में याद कर लो आप, जहाँ पे आपको सी दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे सी क्या है, सी जहाँ पे होगा एन सी आर वहाँ पे ये तो सबको सेम रहेगा, लेकिन आर फैक्टोरियल ऐड हो जाते हैं। तो सी को आप देखो कैसे भी याद कर सकते हो, सी मतलब क्या है, सी मतलब कंबाइन से याद कर लो, सी मतलब कंबाइन, कंबाइन मतलब कि पी वाले को ही कंबाइन कर देना है, इसके साथ आर फैक्टोरियल नीचे ऐड कर दोगे तो वो एन सी आर बन जाएगा। अब ऐसे कुछ निमोनिक याद कर लो, ट्रिक याद कर लो एन पी आर और एन सी आर में, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सी मतलब कंबाइन और कंबाइन क्या होता है, एन पी आर वाले फॉर्मूले को कंबाइन करना है आर फैक्टोरियल से, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, दो बच्चों को सेलेक्ट करने की बात हो रही है। कितने को सेलेक्ट करना है, दो को सेलेक्ट करना है, कितने में से, तीन में से। अब यहाँ पे बताओ कि कोई भी ऑर्डर की बात हो रही है, आप तीन में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो ए बी सी तीन बच्चे हैं, अब आपको दो को सेलेक्ट करना है तो आप ए बी को सेलेक्ट कर लो, चाहे आप बी ए को सेलेक्ट कर लो, चाहे आप बी सी को सेलेक्ट कर लो या फिर आपको सी बी को सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्या मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं। तो जैसे ही आपको दिखा ऑर्डर मैटर नहीं कर रहे हैं, आप तुरंत यहाँ पे देख लोगे कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एन सी आर वाला फॉर्मूला लगेगा। हमें सेलेक्ट करना क्या है, हमें तीन में से सेलेक्ट करना है, कितने को, दो को लगाना है, तो हम लगाएंगे एन सी आर, यानी कि 3C2 यहाँ पे आएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऊपर जो होगा वो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे होगा आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, और इसी क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, 3 होगा। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ो। अगला देखो क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन बोलता है, इन एन एग्जामिनेशन एक क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके कंटेनिंग 7 एंड 5 क्वेश्चन, पार्ट 1 में 7 है, पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन है रिस्पेक्टिवली। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन। अब इसको देखो बारीकी से, एक एक स्टेप तोड़ना होता है। अब हमें टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए, अब हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन है दिया गया। अब इन 12 क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि एक ही 12 क्वेश्चन है, इनको दो पार्ट में दिया गया है, एक है आपका पार्ट 1 और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में से आपके 7 क्वेश्चन आ रहे हैं और पार्ट 2 में से क्या आ रहे हैं, आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। दोनों को आप ऐड करो तो कितने आ रहे हैं, 12। यानी कि 12 से आपको लेना देना नहीं है, पहले आप यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया कि दो पार्ट में से पूछे जा रहे हैं, एक पार्ट से 7 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट से 5 क्वेश्चन। अब आपको बोल रहा है कि सेलेक्ट कितना करना है, आपको स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, यानी अटेम्प्ट करना है 8 ही क्वेश्चन को। ठीक है, यानी क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 8 क्वेश्चन। ठीक है, 12 में से आपको 8 ही सेलेक्ट करने हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, इन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, यानी कि यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3। तो ये भी आप एक की कौन आपका की रूल है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे रख लेना एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट।
ऐसा नहीं कि मतलब कि आप 12 में से ले लो, 12 C 8 लगा लो, ये नहीं करना है। और आप एक चीज़ और याद रखना कि जहाँ पे सेलेक्ट की बात हो ना, वहाँ पे आप कॉम्बिनेशन लगता है, ये याद रखना है। जहाँ पे सेलेक्ट की बात हो, जहाँ पे ऑर्डर नॉट मैंडेटरी हो, वहाँ पे आप कॉम्बिनेशन लगाओगे। तो हमें दिख रहा है कि 12 क्वेश्चन है, इसमें से पार्ट 1 से 7 और पार्ट 2 से 5 आ रहे हैं। अब लेकिन ये बोला है कि 8 सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे 12 C 8 नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक और कंडीशन बोल दिया है कि हमें हर एक पार्ट से क्या करना है, 3 लेना है। तो हमें 3 जब लेंगे तो इसके 3 तरीके बन सकते हैं। क्यों मैं 3 तरीके बता रहा हूँ, देखो क्या क्या तरीके बन सकते हैं, हमें एटलीस्ट 3 लेना है। तो पहला केस बनेगा, एक केस 1 होगा, एक केस 2 होगा और केस 3 होगा। अब मैं क्यों केस ले रहा हूँ, देखो समझो। आप सपोज़ करो केस 1 में क्या होगा, हमारे पास पार्ट 1 में 7 है, पार्ट और पार्ट 2 में क्या है, 5 है। अब हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 आने चाहिए सब में से। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा तरीका हो सकता है कि 7 में से क्या हो, हम पहले तरीके में क्या कर सकते हैं, 7 पार्ट 1 में है और पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में आपके 5 हैं। तो पहले केस में हम क्या करते हैं, 7 में से हम पहले पार्ट 1 में से 3 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 3 बोला है। तो हम क्या करते हैं, पहले पार्ट में से 7 में से 3 ले लेते हैं और 5 में से क्या लेते हैं, अगर 3 हमने पहले लिया और हमें टोटल 8 सेलेक्ट करने हैं तो कितने और हमें सेलेक्ट करने होंगे, 5 सेलेक्ट करने होंगे। तो हम 5 में से क्या करते हैं, इसमें से 5 और ले लेते हैं, एक केस ये बन गया। दूसरा केस क्या बनता है, मान लो पार्ट 1 में कितने हैं, पार्ट 1 में आपके 7 हैं और पार्ट 2 में क्या है, टोटल 5 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। अब दूसरा कंडीशन हम क्या बता सकते हैं कि एटलीस्ट 3 लेना है, यानी कि 3 तो होगा, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा केस ये बन सकता है कि 7 में से हम 4 ले लें यहाँ से, ठीक है, और 5 में से कितना बचा, हमें 8 ही सेलेक्ट करना है। तो जब हमने एक में से 4 ले लिया तो दूसरे में क्या बचा, दूसरे में से 4 लेना होगा हमें। तो हम ये कर सकते हैं कि पार्ट 1 में से 4 और दूसरे में से क्या कर लिया, 4 ले लिया, 2 हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, तीसरा कंडीशन ये बनेगा कि पार्ट 1 में कितने हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्ट 2 में कितने आ रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हमने 3 तो ले लिया, 3 तो लेना ही है, और हमने क्या किया, एक में 3 लिया, एक में 4 लिया, और ऐसा भी तो सकता है कि हम इसमें से क्या ले लें, इसमें से हम 5 ले लें और इसमें से क्या ले लें, 3 ले लें। यही आपका 3 केस बन रहा है, एक में से 3 लेना है, दूसरे में से हमने 4 ले लिया और तीसरे में से क्या ले लिया, 5 ले लिया, यानी कि एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। अब देखो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पे आपको 3 नहीं दिख रहे होंगे, तीनों सब में से कॉमन है, एटलीस्ट लेना है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको लेने का तरीका क्या हो सकता है, इसको आप लिख सकते हो 7C 3 × अब 5C, 5 में से 5 लेना है तो 5C 5। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसमें लिख सकते हो 7 में से 4 लेना है तो ये हो सकता है 7C 4 × 5 में से 4 लेना है तो ये होगा 5C 4, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ 7 में से 5 लेना है तो ये हो सकता है 7C 5 × 5C 3, ऐसे 5 में से 3 लेना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 35, इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा 175, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 210। और सबको क्या करना है, सबको आपको ऐड कर देना है। जब सबको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 175 है और 5 ऐड करो तो 80 हो जाएगा, और 30 ऐड करो तो 210 हो जाएगा, और 210 में 210 ऐड करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 420। इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 420 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब देखो यहाँ पे भी ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है, आप क्या कर सकते हो, 52 में से 4 कोई भी ले सकते हो, ठीक, कोई ऑर्डर नहीं लेना है। तो इसमें जब आपको पता चला गया ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है तो आपको क्या लगाना है, आपको NCR वाला लगाना है। यहाँ पे टोटल कितने हैं, 52 कार्ड है, तो N क्या होगा, 52 होगा, और 52 में से कितने सेलेक्ट करना है, 4 हमें सेलेक्ट करना होगा, तो ये होगा 52C 4, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 52 का फैक्टोरियल और नीचे क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल और इंटू 4 का 4 मतलब एक तो R होगा और N माइनस R करोगे तो भी क्या होगा आपका, कितना होगा यहाँ पे, 52 माइनस 4 कर दोगे तो इसका फैक्टोरियल होगा, ये आपका आएगा ऊपर 52 फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा, ये आपका 4 फैक्टोरियल, 52 माइनस से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 48 फैक्टोरियल। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 270725। अब क्या है, ये डायरेक्टली मैं कैलकुलेशन आपके सामने नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंदी हो जाएगा और आपको कैलकुलेटर मिलता ही है, तो जो आपको मिल रहा है आप उसका पूरा सदुपयोग करो, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, आप 270725 तरीके से क्या कर सकते हो, 52 प्ले कार्ड में से 4 कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा इसी कार्ड को सेलेक्ट करने का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अब देखो ऐसे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज 4 कार्ड, आपको 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इफ़ ऑल 4 कार्ड्स आर सेम यूनिट। अब देखो इसको करने के लिए आपको थोड़ा जो कार्ड आता है उसको समझ में आना चाहिए क्या होते हैं। देखो आप जब 52 कार्ड लेते हो, 52 कार्ड जब होता है उसमें से क्या होता है, अलग अलग जो सेम सूट की अगर बात करो तो इसके टोटल 4 सेम सूट के होते हैं, एक में 13 होते हैं, एक में 13 होगा और इसमें क्या होगा, 13 होगा और इसमें भी क्या होगा, 13 होगा, यानी कि 13 × 4 आपके 4 सेम सूट के होते हैं आपके कार्ड, तो ये 13 13 का पेयर होते हैं।
ये हमें हमारे पास क्या है, चार कार सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें सूट में से क्या करना होगा, ए में एक सेलेक्ट करना होगा। तो इसका तरीका क्या हो सकता है, 4C1 हो सकते हैं। अब हमारे पास 13 है, 13 में से क्या करना है, अब हम 13 में से क्या करेंगे, 4 सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 13C4। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2860 तरीके। अब आपको समझ में आया क्यों ये ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पहले आपको क्या करना होगा, 52 में से आपको जो चार अलग अलग सूट मिल रहे हैं, यानी कि अलग अलग में सेम सूट मिल रहे हैं, 13 वाले सेम सूट में आएंगे, एक 13 सेम सूट का होगा, एक 13 सेम सूट का होगा, और ये भी होगा, यानी कि चार टोटल तरीके होंगे। तो इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा, तो ये 4C1 एक तरीका हुआ इनटू, अब इनमें से क्या होगा, जो सेम सूट हैं उनमें से सेलेक्ट करना होगा आपको चार कार्ड, तो ये हो जाएगा 13C4। और ये क्या होगा इसका, जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2860। अब इससे थोड़ा एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब हमने देखा सेम सूट वाला देखा, अब मान लो कि अब क्या पूछते हैं कि अब सेम कलर का पूछते हैं, जैसे इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज फोर कार्ड, फोर कार्ड ही सेलेक्ट करना है, लेकिन आपको किस में सेलेक्ट करना है, 52 प्लेइंग की नंबर से सेलेक्ट करना है, इफ़ ऑल फोर कार्ड्स ऑफ सेम कलर। अब इसको भी समझने के लिए आपको समझना होगा कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड्स में क्या होता है कि एक 26 जो कार्ड होते हैं वो किस तरीके का होते हैं, ब्लैक कलर का होते हैं, और एक दूसरे जो 26 होते हैं वो क्या होते हैं, ये दूसरे आपके रेड कलर के होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब तो हमें ब्लैक और एक क्या है, रेड है, पहले इनमें से सेलेक्ट करना होगा। तो इनमें से सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, ये होगा 2C1, ठीक है, इनटू। अब 2C1 इनको सेलेक्ट करने के लिए कि ब्लैक और रेड में से, अब हमें क्या करना है, चार कलर सेलेक्ट करना है। तो चार किस में से करना है, 26 ब्लैक से भी हो सकता है, 26 रेड से भी हो सकता है, यानी कि 26 में से हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमें चार सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 26CR। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 229900, ये क्या होगा, इतने तरीके से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। समझ में आया, पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कितने ब्लैक और कितने रेड होते हैं। तो 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। अब इनको सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, 2C1 किया। अब इन दोनों में से सेलेक्ट करने का क्या ऑप्शन होगा, 26 में से हमें 4 सेलेक्ट करना है, तो 26CR हो जाएगा, दोनों को इंटू कर दोगे तो क्या होगा, ये आपका जो आएगा उतने तरीके होंगे, ठीक है। अगला देखो, सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर फ्रॉम 17 प्लेयर्स, यानी कि आपके टोटल कितने हैं, टोटल आपके 17 प्लेयर्स हैं, इसको ध्यान देखना है। इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, अब इसमें भी क्या है, ऐसा तो नहीं कि सब ऑलराउंडर हैं या फिर सब कुछ कर सकते हैं, इसमें से बोल रहा है कि 12 जो हैं तो ऐसे हैं, नॉर्मल खिलाड़ी हैं, इसमें से 5 जो हैं वो बॉलर हैं, क्या हैं, 5 बॉलर हैं, ठीक है, खतरनाक वाले बॉलर, विकेट चटकाने वाले, ठीक। द रिक्रूटमेंट इज द क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड, 11 लोगों की भर्ती होने वाली है, इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। अब ये बोल रहा है कि 11 लोगों में से 4 तो क्या होने चाहिए, बॉलर होने चाहिए। अब हमें पता है कि टीम में 17 लोग हैं, एक तो 12 ऐसे हो गए और 5 उसमें से बॉलर हैं। अगर हमें एक टीम बनानी है और बोला है कि 11 सेलेक्ट करना है और उसमें से हमें 4 तो बॉलर चाहिए ही, तो हम 4 कहाँ सेलेक्ट करेंगे, 5 बॉलर में से तो 4 सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और 12 में से जो बचे उसमें से हम क्या करना है, हमें 11 की टीम बनानी है, तो 4 तो हो गया, ये बॉलर लेना है, तो हमारे जो 7 बचेंगे उसको हम कहाँ से लेना होगा, 12 में से लेना होगा, तो ये 7 यहाँ से आएंगे और 5 बॉलर में से 4 को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या देख सकते हैं कि हमें 12 में से कितना सेलेक्ट करना है, 7 को सेलेक्ट करना है, और 5 बॉलर में से हमें मैंडेटरी है कि हमें 4 सेलेक्ट करना है बॉलर, तो हम इसको इस तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, 12C7 इसमें से, और 5 बॉलर में से 4 इस तरीके से। अब जब दोनों को सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 5C4 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5, और 12C7 को सॉल्व करोगे तो कितना देगा, ये देगा 792। जब दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3960 तरीके से क्या कर सकते हो, इनको सेलेक्ट कर सकते हो 11 टीम मेंबर को जिसमें से 4 बॉलर हो, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है ड्रॉइंग लाइंस इन अ सर्किल, ठीक है। गिवन एन पॉइंट्स ऑन अ सर्किल, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन कनेक्टिंग द पॉइंट्स इज NC2, यानी कि अगर एन पॉइंट गिवन है सर्किल में और आप क्या करना चाहते हो, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना चाहते हो, क्या करें, कनेक्टिंग द पॉइंट्स करके, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा, NC2 तरीका होगा, ठीक है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके क्वेश्चन को देखो, एग्जांपल को देखो, समझ में आएगा। इफ टू पॉइंट्स आर गिवन इन अ सर्किल, यानी कि आपको 2 पॉइंट दे दिया है, यानी कि एन की वैल्यू क्या दे दिया है, 2 दे दिया है, देन हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन कनेक्टिंग दिस पॉइंट्स, यानी कि इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए कितने आप क्या कर सकते हो, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने देखा था कि क्या तरीका होता है, NC2 होता है, यानी कि क्या फॉर्मूला लगाओगे, इसका फॉर्मूला होता है NC2, एन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो आप एन की जगह पे 2 रखोगे, सी और 2 यहाँ पे तो है ही है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका जो आएगा आंसर वो आएगा 1। अब देखो मैं डायरेक्टली इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराना है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको खुद से करना होगा। मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल, एन ऊपर लेते हो और नीचे क्या होगा, आर फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, आर फैक्टोरियल होगा, तो ये 2 फैक्टोरियल,
और n माइनस आर होता है तो यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल होगा, टू से टू यहाँ पे कट जाएगा, ये क्या आएगा वन। तो अब आगे से मैं डायरेक्टली थोड़ा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, पूरा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई नहीं करके करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ये करना है। फिर अगला देखो, अगर आपको बोल दे कि तीन पॉइंट दे दे, इफ थ्री पॉइंट्स आर गिवन ऑन अ सर्कल देन हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। अब हमने फॉर्मूला देख लिया है, यहाँ पे एन क्या है, एन तीन दिया है और हमने देखा कि अगर लाइन ड्रॉ करना है तो आप कितने तरीके से कर सकते हो, एन सी टू तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, एन एन यहाँ पे थ्री है और क्या करोगे, थ्री सी टू यहाँ पे हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तीन तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, थ्री होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला बोल रहा है, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ एट एथलीट पार्टिसिपेटिंग इन ए 100 मीटर रेस इन ए कॉम्पिटिशन विद सेवरल राउंड। यानी कि एट एथलीट हैं और 100 मीटर रेस में क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सपोज करो ए है, बी है, सी है, डी है और ऐसे ऐसे करके एच तक के हैं, टोटल एट एथलीट हैं, 100 मीटर रेस में पार्ट ले रहे हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू अवार्ड द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। आपको क्या देना है, गोल्ड देना है, सिल्वर देना है और ब्रॉन्ज देना है। अब देखो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें तो ये समझना होगा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा या फिर परम्यूटेशन लगेगा। इसको हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये होता है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो सोचने लेते हैं कि यार इसमें क्या लगेगा, कैसे पता होगा कि इसमें एन सी आर लगाएं, एन पी आर लगाएं। तो उसका पहचाने का तरीका ये है कि जहाँ पे ऑर्डर मैटर करे वहाँ पे परम्यूटेशन होगा, जहाँ पे ऑर्डर मैटर ना करे वहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। अब इसको पता कैसे करेंगे, तो आप देखो कि मान लो कि ए है, बी है और सी जो है ये जीत रहे हैं। ए को हमने दे दिया गोल्ड, बी को क्या दे दिया, हमने सिल्वर दे दिया और जो आपका सी है इसको हमने ब्रॉन्ज दे दिया। एक तरीका तो ये हो सकता है। अब सपोज़ करो ए बी सी, अब क्या हम इनको ऐसा कर सकते हैं कि अब ए को ब्रॉन्ज दे दिया, बी ने क्या जीता, बी को गोल्ड दे दिया और सी क्या है, सिल्वर है। अब आप ये बताओ कि क्या ये दोनों सेम होंगे, अगर आप ये तरीका दे रहे हो, ए को गोल्ड दिया और यहाँ पे ए को आपका ब्रॉन्ज दे दिया, क्या ये दोनों सेम है, यानी कि ये दोनों सेम नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ए को गोल्ड दिया आप इसका ऑर्डर चेंज करके आप ए को ब्रॉन्ज ही दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यानी कि ऑर्डर क्या हो रहा है, मैटर कर रहा है। ऑर्डर को चेंज करने से आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि ऑर्डर जब यहाँ पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपका परम्यूटेशन लगेगा। परम्यूटेशन बोले तो यहाँ पे एन पी आर लगेगा। अब देखो हमें सिंपल हो गया कौन सा लगेगा फॉर्मूला, ये पता चल गया। अब देखो हमें पता है कि एट एथलीट जो होंगे वो भाग ले रहे हैं, यानी कि एन की जो वैल्यू क्या है, एट है और उसमें से तीन को ही क्या मिलेगा, गोल्ड सिल्वर और मेडल मिलेगा, यानी कि हमें आर की जो वैल्यू दी है वो दी है तीन, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे, ये होता है एट पी थ्री, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर देगा 336। 336 तरीके हो सकते हैं किसके अवार्ड देने के, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल को, किसको, एट एथलीट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन कहते हैं, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ ए क्लास विथ 40 स्टूडेंट, टोटल एक क्लास में 40 लड़के हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज टू लीडर्स। अब देखो कोई भी मान लो कि ए से लेके, ए से बी से सी से लेके काफ़ी सारे बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, ठीक है। अब इनमें से क्या करना है, दो लीडर को सिलेक्ट करना है, कोई भी आप ले सकते हो। जैसे मान लो कि हमने ए बी को ले लिया, ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है हमने ए बी को ले लिया, या फिर हमने क्या कर लिया, अब इसको हमने चेंज करके बी ए कर दिया। तो आप मान लो कि ए बी को लो चाहे बी ए को लो, तो दोनों तो सेम ही है, यहाँ पे तो कोई ऑर्डर नहीं है ना कि हम ए को पहले रखेंगे बी को रखेंगे, यहाँ पे रैंकिंग वैंकिंग तो दे रही नहीं है कि गोल्ड दे रहे हैं आपका ब्रॉन्ज दे रहे हैं, तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर कर रहा है। हमें तो दो कैसे भी सेलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर आप देख रहे हो कि मैटर नहीं कर रहा है। अगर 40 में से दो को सेलेक्ट करना है तो यहाँ बिना ऑर्डर के भी हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, जब ऑर्डर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा, यानी कि यहाँ पे एन सी आर लगेगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया एन सी आर लगेगा। अब बताओ एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है कि 40 स्टूडेंट है और आर कितने सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे दो लीडर सेलेक्ट करने हैं, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, 2 दी गई है। अब इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, 40 सी 2 हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आंसर 780 तरीके हो सकते हैं इनको सेलेक्ट करने के, दो लीडर सेलेक्ट करने के, ठीक है। आगे देखते हैं, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ अ क्लास विद 40 स्टूडेंट, 40 बच्चे अभी भी हैं लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वी चूज ए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। अब यहाँ पे क्या है, अब दो लीडर नहीं सेलेक्ट करना है, अब एक को कैप्टन बनाना है और एक को वाइस कैप्टन बनाना है। तो अब देखो कि यहाँ पे क्या होगा, अब सपोज करो ए ले लिया और बी ले लिया, ठीक है, ए को हमने क्या कर दिया, ए को हमने कैप्टन बनाया और बी को क्या बनाया, वाइस कैप्टन बनाया। अब मान लो कि इसका क्या हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि ए को हमने वाइस कैप्टन कर दिया और बी को क्या कर दिया, कैप्टन। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, दोनों क्या है, अलग अलग है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करते हैं। तो जब ऑर्डर मैटर करेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा, यानी कि यहाँ पे एन पी आर वाला फॉर्मूला लगेगा। अब हमें पता है कि एन क्या है, एन आपके 40 स्टूडेंट हैं और हमें कितना सेलेक्ट करना है, हमें वाइस कैप्टन और कैप्टन सेलेक्ट करना है, यानी कि दो लोगों को सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 40P2, ठीक है। जब 40P2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1560, ठीक है। 1560 तरीके हो सकते हैं
आपका एक कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने का 40 स्टूडेंट में से। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया जो कि इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं ग्रेडेड असाइनमेंट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी फाइव डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द नंबर 0, 2, 4, 5, 7 एंड 9 विदाउट रिपीटेशन सच दैट इट इज विजिबल बाई 4। अब बोला कि 5 डिजिट नंबर हमें बनाना है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 पांच डिजिट होंगे, इसमें नंबर डालें। और नंबर क्या हो सकते हैं, हमारे पास नंबर भी गिवन है 0 से 2 से 4 से 5 से 7 से और 9 को लेके ही हमें बनाना है 5 डिजिट का नंबर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये भी जोड़ रहा है कि डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। अगर वो क्या हो, डिविजिबल और 4 से, तभी उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, बोलेंगे कि हाँ ये 5 डिजिट नंबर ये फॉर्म हुआ। लेकिन पहले मैं यह करना होगा 4 से ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिनको इन वाले नंबर से बनाया सकता है, उसको पता करना होगा। अब 4 से कौन डिवाइड होते हैं, 4 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट जो 2 डिजिट हो वो क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जो 4 से डिविजिबल हो, उसके लिए हम पहले लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम सारे नंबर को लिख लेते हैं 4 से लेके आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 से स्टार्ट हो के 9 तक, यानी कि इतने एलिमेंट होंगे। तो हम पूरा क्या करते हैं, 4 का टेबल ही लिख लेते हैं 92 तक। अब ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप बेसिक तरीके से समझोगे तो जल्दी समझ जाओगे, हर एक स्टेप को ऐसे फॉलो नहीं करना होता है, कुछ आप क्या करोगे शॉर्ट तरीके से भी इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप ऐसे भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको बताना जरूरी है ऐसे। तो देखो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो आपका नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 0, 4, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने 4 से डिविजिबल वाला का रूल में बताया कि लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो 4 से डिविजिबल होगा, तभी क्या होगा, वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो हमने क्या किया, 4 के जो लास्ट डिजिट हो सकते हैं वो पूरा लिख लिया। लेकिन अभी यहाँ पे आपको दिखना है कि ये सारे नंबर नहीं हो सकते, जो ऐसे तो हैं कि जिनके लास्ट में ये डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होंगे, लेकिन हमें सारे नहीं लेने हैं, हमें यही नंबर लेने हैं जिसमें 0 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे तो 3 आ ही नहीं रहे, तो जितने भी इसमें 3 वाले एलिमेंट होंगे वो तो ऐसे निकल जाएंगे, इनको हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमें इन्हीं नंबर से बनाना है 5 डिजिट का नंबर। तो 3 वाले जितने भी होंगे वो नंबर क्रॉस आउट हो जाएंगे, यहाँ पे जितने भी होंगे वो क्रॉस आउट हो गए। फिर यहाँ पे देख लो 4, 5, 6 भी नहीं है, यानी कि 16 वाले जो इसमें जिसमें 6 नंबर आ रहा है वो भी क्या होगा, क्रॉस आउट हो जाएगा। तो हमने क्रॉस कर दिया। 6 के बाद 7 है, 8 नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 वाला भी क्या होगा, टर्म नहीं हो सकता है, ये भी नहीं आ सकता है और ये भी नहीं आ सकते पूरे। तो हमने क्या कर लिया, हमें केवल इन्हीं से बनाना है। तो हमारे जो लास्ट में जो फाइनल नंबर बच के आ रहे हैं जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, उनके लास्ट डिजिट क्या हो सकते हैं, उनका लास्ट डिजिट हो सकता है 0, 4, दूसरा हो सकता है 12 और यहाँ पे क्या है 1, 2। अब देखो 1, 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 1 भी नहीं है, 0 के बाद 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 0, 4, 20, फिर आपका 24 हो सकता है, फिर क्या होगा आपका, फिर 40 हो सकता है आपका, फिर आपका 52 हो सकता है, फिर आपका 72 हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है 92 हो सकता है। ये क्या होंगे, ये आपके 4 से डिविजिबल होंगे। अब देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें ये वाले लास्ट वाले नंबर डिजिट में मिल रहे हैं, लेकिन इसमें भी जब आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 टोटल ऐसे डिजिट मिल रहे हैं जिसको हम लास्ट में बैठा सकते हैं जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। अब लेकिन इसमें आप देखो 2 तरीके के नंबर मिल रहे हैं जिसमें आपका 0 है, ये इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, और क्या है इसमें भी 0 है। ये तो आपके लास्ट में हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नंबर मान लो कि 24 हम ले रहे हैं, 52 ले रहे हैं, 72 ले रहे हैं और 92 ले रहे हैं, इसमें आपका 0 नहीं आ रहा है, यानी कि लास्ट में क्या होगा, इनमें 0 नहीं आएगा, और 0, 4, 2, 0 में क्या हो सकता है, इनमें 0 आपका यहाँ पे प्लेस होगा। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि मान लो कि मुझे क्या करना है, अगर इसमें 2 केस बनेंगे, पहला केस देखो क्या होगा, पहले केस में यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 0 पहले यहाँ पे शामिल हो जा रहा है किसी ना किसी केस में, जैसे 0, 4, 20 आपका 40, इनमें केस में क्या हो रहा है, 0 यहाँ पे लास्ट 2 में आ जा रहा है, यानी कि लास्ट में आपके 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कि 24 लिया, 24 में से यानी कि 2 और 4 लिया, अब हमारे पास रिमेनिंग ऑप्शन क्या हो सकते हैं इनको भरने का, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। लेकिन जब इसको फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम अगर 0 रख देते हैं तो 0 जब रखोगे और रिमेनिंग 4 डिजिट को फिल करोगे तो ये 5 डिजिट नंबर ना होगे, 4 डिजिट नंबर होगा। तो इसी चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 केस बन रहा है। क्या केस बन रहा है, केस 1 बन रहा है नंबर जो है जो इंक्लूड कर रहे हैं 0 को, नंबर लास्ट डिजिट जो है जो 0, 4, 20, 40 इनमें क्या है, जो नंबर जो ऐसे हैं जो लास्ट डिजिट में नंबर विथ 0, एक ऐसे केस बन रहा है। और दूसरा केस क्या बन रहा है, दूसरा केस ये बन रहा है जिनमें आपके लास्ट में क्या है, मतलब जिस लास्ट वाले नंबर में जिनमें 0 ना इंक्लूडेड हो, जैसे यहाँ पे 24 हो गया, 52 हो गया, 72 हो गया, 92 हो गया, यानी केस 2 हमारा बन रहा है जो कि जिसमें 0 शामिल नहीं है। 2 केसे बन रहे हैं। अब देखो कैसे हमें समझ में आएगा, अब मान लो कि पहला जो होगा केस 1 बना, इसमें सब केस ये बन सकता है पहले तरीके से कि हमें मान लो पता क्या करना है, हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 2, 3, 4 और 5। तो हम क्या करते हैं, पहला केस लेते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं 0, 4 को इंटर करते हुए, यानी कि 0, 4 को क्या करना है, हम 0, 4 को लिया और यहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे क्या करते हैं 4 आ सकता है, हमने यहाँ पे बैठा दिया। ये पहला सब क्लास हुआ, यानी पहला केस हुआ कि हमने क्या किया, 0, 4 को यहाँ पे प्लेस किया। अब हमें क्या बच रहा है, अब हमारे पास 3 जगह बच रहा है, 3 प्लेस बच रहा है।
अब तीन प्लेस को हमें भरने का क्या तरीका है? अब हमारे पास क्या है, तीन, हमने दो यहाँ पे भरा और टोटल अभी हमारे पास नंबर कितने बाकी हैं, मान लो कि 204 हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, दो हो सकता है, पाँच हो सकता है, सात हो सकता है और नौ हो सकता है, यानी कि हमारे पास अभी क्या है, चार ऑप्शन बाकी है। यानी कि इन वाले प्लेस को भरने के लिए हमारे पास चार तरीका है। चार तरीका कौन कौन सा है, 04 तो हमें हटाना है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 0 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है और 9 है, इन पांचों डिजिट को फिल करने का। लेकिन पहले केस में हमने क्या किया, हमने 04 को लिया, यानी कि 0 और 4 को हमने पहले यहाँ पे प्लेस कर दिया लास्ट टू में। तो अब हमारे पास जो तीन बचेंगे उसमें क्या आ सकते हैं, केवल 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है और 9 आ सकता है। यानी कि चार में से हम क्या कर सकते हैं, कितने को सेलेक्ट कर सकते हैं, हम चार में से तीन को यहाँ पे फिल करना है। यानी कि चार हमारे पास ऑप्शन है और इसमें से तीन को यहाँ पे फिल करने का जगह है, तो हम 4P3 लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, 04 होगा। ठीक है, ऐसे जो दूसरा तरीका होगा, अगर हम लास्ट में क्या लेते हैं, 20 को लेते हैं। केस वन में क्या है, नंबर जिसमें 0 शामिल उसको पहले ले रहे हैं। तो अगर मान लो हम 20 के लेते हैं, 20 को लास्ट में रखते हैं, तो यहाँ पे क्या तरीका हो सकता है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन तरीका यहाँ पे हो गया आगे वाला, और आगे जो पीछे वाला है उसमें क्या हो सकता है, पीछे वाले में हमने 20 प्लेस कर दिया। जब यहाँ पे 20 हमने प्लेस कर दिया तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, मान लो कि 0 और 2 हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हमारे पास चार ऑप्शन और हैं, 4, 5, 7, 9 को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। यानी कि तीन सीट हमें हैं और इनसे चार ऑप्शन हमारे पास है, तो इनको भी फिल करने का क्या तरीका हो सकता है, इनको फिल करने का तरीका हो सकता है 4P3 हो सकता है। फिर तीसरा क्या है, तीसरा हमें जिसमें 0 शामिल है उसमें हम लेना है, यानी कि इसमें 40 है तो हमने 40 को ले लिया। अब 40 को जब हमने लिया तो लास्ट में हम 40 को रख सकते हैं, यहाँ पे 44 और 0 को यहाँ पे रख दिया। तब भी जो तीन ऑप्शन बचे यहाँ पे, तीन जो गैप बच रहे हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, हम हमारे पास चार और रिमेनिंग आइटम हैं यहाँ पे, और उनमें से क्या करना है, हमें तीन को सेलेक्ट करना है, तो ये 4P3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो केस हो गया जो 0 को इंक्लूड किए हुए हैं। अब क्यों 0 को इंक्लूड किए हुए, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे अगर 0 यहाँ पे लास्ट में आता है तो कोई डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमने केस वन ऐसा बनाया जिसमें 0 शामिल हो इन लास्ट डिजिट में। अब केस टू में क्या है, जिसमें 0 शामिल नहीं है। अब केस टू में हमने पहले 24 लिया, मान लो कि केस वन में हमने क्या लिया, इसमें हमने देखा कि जो एंड विथ 24, अगर हम 24 को लेते हैं तो सपोज करो कि हमने क्या किया, 5 डिजिट फॉर्म कर रहे हैं और इसके लास्ट में क्या है, 24 है। तो यहाँ पे हमने 2, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 रखा और यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे 4 लग दिया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, तीन हमारे पास ऑप्शन है, तीन तो ऑप्शन है, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने थे। हमारे पास दिए गए थे नंबर 0, 2, 4, 5, 7 और 9, ये नंबर थे। अब हमारे पास 0, 2, 4, 5, 7, 9 यानी कि टोटल 6 थे, और हमने क्या किया, इसमें से हमने 2 यूज़ कर लिया और यहाँ पे क्या कर लिया, 4 यूज़ कर लिया। अब हम इसको रिपीट नहीं कर सकते, तो हमारे पास रिमेनिंग आइटम कितने बचे, 1, 2, 3, 4, चार आइटम बच रहे हैं। लेकिन हमें जब चार आइटम यहाँ पे दिख रहा है, तो हम पहला स्थान को, मैंने पहला प्लेस को, पहले वाले प्लेस को बताओ आप कि हम कितने तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पे तो 0 नहीं आ सकता ना, हम यहाँ पे 0 डाल नहीं सकते। तो हमारे पास कितने और ऑप्शन बचे, 5, 7, 9, हमारे पास कितने बचे, 5, 7 और 9। यानी कि हम यहाँ पे इसको, पहले वाले प्लेस को तीन तरीके से भर सकते हैं। 0 हम यहाँ पे शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 अगर शामिल करते हैं तो ये 4 डिजिट का बन जाएगा और हमें 5 डिजिट का बनाना है। तो हम यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 होगा। अब 3 तो हो गया, अब यहाँ पे क्या बचेंगे, दो ऑप्शन और हमारे पास बचे हैं फिल करने के। तो देखो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, दो तो पहले हमने भर दिया है, 4 भी भर दिया, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक यहाँ पे एक कोई और नंबर आ जाएगा 0 को छोड़ के। हमने यहाँ पे एक और नंबर ले लिया है जो फिल कर दिया है, जिसके तीन ऑप्शन थे। तो हमने 1, 2, 3 जो आइटम थे उसका यूज़ कर लिया। अब 6 आइटम से जब तीन हमने आइटम यूज़ कर लिया, अब हमारे पास कितने बचे, 3 आइटम बचे। तो हमें क्या ऑप्शन है, अब हमारे पास 3 आइटम है और उसमें से हमें कितने जगह को भरना है, हमें 2 जगह को भरना है। तो हमारे पास क्या होगा, 3P2 ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि इस वाले फॉर्मेट में अगर हम भरेंगे तो हमारे पास क्या पूरा तरीका बन रहा है, 3×3P2 बन रहा है। ठीक है, ऐसे हम दूसरा वाला केस लेते हैं। मान लो कि दूसरा वाला क्या है, हमने 24 से एंड किया, अब मान लो एंड कर रहे हैं हम 52 से। अब मान लो 52 लास्ट में रखेंगे तो इसमें भी क्या होगा, सेम केस बनेगा। इसमें हमने लास्ट में रख दिया 5 और यहाँ पे क्या रख दिया, 2 रख दिया। ठीक है, हमने 5 और 2 लास्ट में रख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा है, 3 जगह बच रहे हैं। अब इसी तरह हम इसको 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या तरीका होगा, इसको भरने का तीन तरीका हो सकता है। हम 0 को नहीं शामिल करेंगे और हमने 5 और 2 को पहले रख दिया, तो जो और जो चार बचेंगे ऑप्शन, उसमें से हम 0 को भी हटा दे रहे तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचेंगे। तो हम इसको तीन तरीके से भर सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा, जैसे हमने पहले आपको बताया, इन दो को भरने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन बचेंगे, तो ये हो जाएगा 3P2। ठीक है, तो इसको भरने का क्या होगा तरीका, ये हो गया 3×3P2। तीसरा क्या होगा, तीसरा जो ऑप्शन है, हमने 24 देख लिया, 52 देख लिया, अब ये 72 और 92 है। तो जब आप 72 से एंड करोगे तो सेम तरीका आपको पता चलेगा कि इसको भी क्या कर सकते हो आप, 3×3P2 तरीके से भर सकते हो। ऐसे जो चौथा केस बनेगा, अगर मान लो कि हम डिजिट को
92 से एंड करते हैं, तो इसको भी तरीका क्या हो सकता है, इसका भी तरीका होगा फिल करने का, ये होगा 3 × 3P2। समझ में आ रहा है कि क्यों हुआ, क्योंकि मैंने दो अच्छे तरीके से समझाया, अब इसको आप समझ जाओगे, नहीं तो मैं पूरा एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो 72 को भी क्या करना होगा, अगर लास्ट में 72 आता है तो अब इसको भरने का 3 × 3P2 तरीका होगा। अब हमारे पास सारे केसेस आ गए, अब तो टोटल जो तरीका होगा वो कितना होगा, हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, अब जो टोटल वेज होगा, अब यहाँ पर आप ऐड करते जाओ। अब हम क्या कर सकते हैं, पहला तरीका ये था कि 4P3 हो सकता है, तो हम यहाँ करेंगे 4P3, हमने देखा था जब हम एंड कर रहे हैं 0-4 डिजिट से। फिर दूसरा क्या तरीका था, 20 ले रहे हैं तो इसको फिल करने का तरीका था 4P3, अगर हम 40 ले रहे हैं तो इसको हम 4P3 तरीके से कर सकते हैं। अब ये वाला कंडीशन देखो, यहाँ पे आपके चार कंडीशन बन रहे हैं, अगर 24 से कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास तरीका बन रहा है 3 × 3P2 फिल करने का। फिर अगला तरीका जो बन रहा है वो बन रहा है 3 × 3P2 का। फिर अगला जो बन रहा है, अगर 72 से एंड करते हैं तो ये बन रहा है 3 × 3P2 का, और ये लास्ट वाला जो बन रहा है वो बन रहा है 3 × 3P2 का, ठीक है। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे तीन एक जैसे हैं, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 3 × 4P3, और यहाँ पे क्या है, चार एक जैसे हैं, तो इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो 4 तो है ही है, और तीन तीन करोगे तो 3 × 3 6 9 3 12 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो 4 × 3 × 3P2, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो तो ये देगा आपका 3 × आपका ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 3 × 2 × 1, और जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो और ऐड कर दोगे तो ये ऑप्शन आएगा आपका 144, यानी कि 144 तरीके होंगे इनको भरने के। तो ठीक है, पहले का जो आंसर होगा वो होगा 144। अब देखो इतना आपको समझाने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो, लेकिन मैं पहली बार ये कोशिश करता हूँ कि हर एक बच्चे को क्या हो, पूरा डीप में समझ में आया कि हाँ क्या चल रहा है। अब डायरेक्टली इसको मैं सॉल्व कर दूँ, लेकिन आप जब अगला क्वेश्चन जब करने बैठोगे तो आपसे गलती हो सकती है। अब मान लो इसमें क्या होगा, आपके केस में कुछ नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे चलना है तो आप क्या कर सकते हो, इजिली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा, 144 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है, देयर आर 13 ट्रेन स्टॉप्स बिटवीन चेन्नई एंड असम, चेन्नई और असम इनके बीच में क्या है, 13 स्टॉपेज हैं, और इनको शामिल कर लो तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि टोटल जो है 15 स्टॉपेज हैं। हाउ मेनी ट्रेन टिकट्स आर टू बी प्रिंटेड सो दैट अ पर्सन कैन ट्रेवल एनी ऑफ द टू स्टेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, यानी कि ये बोल रहा है कि कितना टिकट प्रिंट किया जाए कि वो दो स्टेशन के बीच में क्या हो सके, वो ट्रैवल कर सके। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एन क्या है, टोटल स्टेशन कितने हैं, 15 है, ठीक है। यहाँ पे एन कितना है, 15 है, और कितने स्टेशन के बीच में ट्रैवल करने की बात हो रही है, दो स्टेशन के बीच में बात हो रही है, तो आर क्या होगा यहाँ पे, 2 होगा। और हम यहाँ पे क्या लगेंगे, परमुटेशन लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा 15P2 लगेगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, 15 फैक्टोरियल ऊपर होगा और नीचे क्या होगा, फैक्टोरियल 13 होगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 × 14 और 13 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है, 13 फैक्टोरियल है, इससे क्रॉस आउट हो जाएगा, और इससे जो होगा 15 × 14 करोगे तो ये क्या देगा, ये आपका देगा 210, यानी कि 210 तरीके हो सकते हैं इनके, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है, ए मैन डिजायर टू थ्रो ए पार्टी फॉर सम ऑफ हिज फ्रेंड्स इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट 9 फ्रेंड्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ 13 फ्रेंड्स, यानी कि उसके टोटल 13 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और उसमें से क्या कर रहा है, उसको 9 फ्रेंड को बुलाना है। इफ़ द टू ऑफ हिज फ्रेंड सेज ए एंड बी, यानी कि मान के चलो ए और बी जो हैं, ये दो फ्रेंड हैं, विल नॉट अटेंड द पार्टी टुगेदर, ये क्या कर रहे हैं, ये एक साथ जो है वो पार्टी नहीं अटेंड करेंगे, तो क्या तरीका हो सकता है बुलाने का। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकता है, 13 में से 9 लोगों को बुलाने का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, यानी कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज ले लें कि जिसमें क्या हो सके, सबको बुला सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 13 फ्रेंड्स हैं और उसमें से क्या है, 9 को बुलाना है, तो आप बोल सकते हो कि 13 में से क्या कर सकते हैं, 13 से 9 कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, कोई भी यहाँ पे कंडीशन ही लग रहा है, सबको बुला रहे हैं, हमें 13 में से 9 को बुलाना है, तो हम इस तरीके से बुला सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, दो फ्रेंड जो है ए और बी, ये एक साथ पार्टी नहीं आ सकते। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये निकाल लेते हैं कि अगर हम ए और बी को साथ में बुला लेते हैं तो क्या तरीका हो सकता है कि वो हर पार्टी में ए और बी तो आए ही, तो जब ए और बी हर पार्टी में आए तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर मान लो कि 13 बंदे हैं और उसमें से क्या करने हैं, हमें 9 को बुलाने हैं, टोटल कोई कंडीशन नहीं है। अब ये तरीका हम निकालें कि ए और बी तो आएंगे ही, उनको जैसे होता है ये ना कि मान लो कि पार्टी आप थ्रो करते हो तो आपके कुछ दो पसंदीदे दोस्त होते हैं जिनको आप क्या करते हो उसमें तो शामिल करना ही है,
और दूसरे वाले में ऑप्शन देखते हो कि हाँ क्या इनको बुलाएं क्या नहीं बुलाएं। तो इस तरीके का ही मानो, दो को तो बुलाना ही है ए और बी को, तो जब दो को बुलाना ही है तो 13 आपके पास ऑप्शन बचे ही नहीं। अब जो 13 थे वो घट के कितने हो गए, अब तो 11 ही चॉइस है ना। अब आपके पास तो चॉइस है नहीं ए और बी को छोड़ के, आपको ए और बी को लेना ही है, तो आपको 13 जो थे उसमें से आपको इन्हें दो पहले सेलेक्ट कर लिए, यानी कि 11 बचे। अब 11 में से क्या है, आपको टोटल 9 ही बदल बुलाने हैं, और हमने ए और बी को पहले ही फाइनल कर लिया है, तो हमें 9 में से अब कितने बचे हैं, अब हमें 7, यानी कि 11 में से आपको क्या करना होगा, अब 7 को बुलाना है। तो इनको बुलाने का तरीका क्या होगा, जब ए और बी शामिल हर समय रहें तो ये क्या होगा, ये होगा 11C7 होगा, ठीक है। अब हमने क्या देख लिया, अब हमने टोटल नंबर देख लिया कि कितने मतलब तरीके से सबको बुला सकते हैं कोई कंडीशन ना लगाते हैं तो। और दूसरा हमने ये देखा कि ए और बी को शामिल करते हुए कितना तरीके से बुला सकते हैं। अगर बुलाओ, अगर हमने ए और बी को शामिल करते हुए देख लिया कितना बुला सकते हैं, अब हमें निकालना क्या है, हमें ए और बी एक साथ अटेंड ना करें, ए और बी क्या हो नॉट अटेंड, एक साथ ना अटेंड करें ये पार्टी, तो क्या तरीका हो सकता है। अब हमने देखा कि हमें टोटल तरीका पता है 13C9, और हमें ये भी पता है कि ए बी जो शामिल होंगे तो उनका क्या तरीका होगा, तो ये हो जाएगा 11C7। अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो क्या हमें मिल जाएगा, ए और बी एक साथ अटेंड ना करें उनका 20, तो ये क्या करेंगे, हम टोटल में से ए और बी के शामिल होने का जो आपका भी है वो माइनस कर देंगे, तो हमें ये वाला मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब 13C9 में से माइनस करोगे 11C7, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 13 ऊपर, और नीचे होगा फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 4, और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 385। अब इसको सॉल्व कर लेना, अगर मैं पूरा एक एक स्टेप करूँगा तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा और काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, सुमन हैज़ 10 क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट टाइप से C1, C2, C10। अब मान लो कि सुमन है, उनके पास डिफरेंट क्लॉथ हैं, C1 है, C2 है, C3 है, और ऐसे करके C10 तक क्या है, 10 इनके पास कपड़े हैं। सी वॉन्ट्स टू वेयर ऑल दिस क्लॉथेज एट डिफरेंट डेज सेज D1, D2, D10। और ये क्या करेंगे, D1 से लेकर D तक अलग अलग दिन पे क्या करना चाहती है, ये कपड़े को पहनना चाहती है, ठीक है, D10 तक। ड्यू टू सम रीजन C1 मस्ट बी यूज आइदर एट D, यहाँ पे D8 है, मैं आपको इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ कि विजिबल हो जाए, ये D8 है और ये क्या है, D9 है। अब ये कुछ कंडीशन आ जा रहा है कि C1 जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कंडीशन दे रहा है, C1 आपका 2 दिन ही पहन रही है, दो दिन में से एक में पहन सकती है, क्या आपका हो सकता है, C1 को पहन सकती है, या फिर D8 में पहने, या फिर क्या पहन ले, या फिर आपका D9 के पे पहन सकती है, ठीक है, D8 और D9 में से किसी दिन आपका C1 पहन रही है, ऐसा कोई कंडीशन आ जा रहा है, कोई रीजन आ जा रहा है। फिर आपका बोल रहा है एंड C2 कैन बी यूज आइदर एट D9 और D8। यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे क्या है, D9 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे D8 है, और ये क्या है, यहाँ पे D10 है। अब कंडीशन ये भी आ रहा है कि C2 के पास क्या आ रहा है, C2 के पास ये कंडीशन रीजन आ जा रहा है कि वो क्या कर सकती है, C2 को या तो वो इसको D8 पे पहन ले, या फिर इसको D9 पे पहन ले, या फिर क्या पहन ले, या फिर वो इसको D10 पे पहन ले, ये C2 की कंडीशन में है। एवरी क्लॉथ इज टू बी यूज एट ओनली वन डे इन हाउ मेनी वेज कैन क्लॉथ कैन बी यूज। अब देखो दो कंडीशन यहाँ पे बता दिया है, और ये भी बोल दिया कि हर क्लॉथ को अलग अलग दिन पे पहनना है, रिपीट नहीं कर सकते हो आपको। तो जब रिपीट नहीं करना है तो आपको क्या लगेगा, आपका परम्यूटेशन लगेगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर फॉलो करना है। अब देखो पहले क्या कंडीशन बन रहा है, यहाँ पे देखो ये पहले क्वेश्चन ने बोल दिया कि जो C1 है वो, और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास 10 दिन थे, लेकिन इसने क्या कर दिया, C1 को लिमिट कर दिया कि कुछ होगा भाई, कुछ पार्टी वार्टी होगा 8 दिन पे और 9वें दिन पे, और उसको इसने सेलेक्ट किया कि इन्हीं पार्टी के दिन पे D8 और D9 पे क्या करूँगी, मैं C1 पहनूंगी। तो अब देखो जब इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कंडीशन लगा दिया, तो अब C1 को पहनने के तरीके कितने बचे, अब C1 को केवल 2 तरीके से पहना जा सकता है, क्योंकि किसने बता दिया पहले कि D8 को पहन सकती है या फिर D9 को पहन सकती है, इसके पास ये ऑप्शन नहीं कि D1 को पहन सके, D2 D3 सारे ऑप्शन ब्लॉक कर दिए हैं C1 के लिए। C2 के लिए क्या ऑप्शन बचे हैं, C2 के लिए ऑप्शन बचा है D8, D9 और D10। अब लेकिन आपको यहाँ पे नहीं देखना है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन इसके नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, यहाँ पे देखो कि अगर मान लो C1 ने D8 और D9 में से कोई एक ऑप्शन फिल कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, D8 और D9 में से क्या होगा, पहले ही अब क्या होगा, C1 ने इसको सेलेक्ट कर लिया है, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से एक ऑप्शन बचेगा और D10 वाला एक ऑप्शन बचेगा, यानी कि C2 के पास भी कितने तरीके हो सकते हैं आपके पहनने के, वो हो सकते हैं दो तरीके से इसको पहन सकती है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि D8 और D9 में क्या है, पहले C1 है, C1 इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसके पास 2 तरीका है। अब मान लो इसने D8 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से D8 कैंसिल आउट हो जाएगा और C2 के पास क्या बचेगा, D9 बचेगा, और क्या बचेगा, D10, यानी कि इसको 2 तरीके हैं पहनने के, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास कितने थे, अब हमारे पास जो क्लॉथ थे वो थे 10, और हमारे पास जो डे थे वो कितने थे, 10 थे। अब ये दोनों कंडीशन को हटाने के बाद C1 C2 क्या कर लिया, हमने पहन लिया, तो अब हमारे पास रिमेनिंग क्लॉथ कितने बचे, 8 बचे।
और रिमेनिंग डे कितने बचे हैं? अब दो तो पहले यूज हो गया होगा ना, एक दिन सी वन पहन ली और एक दिन क्या होगा सी टू पहन लिया, यानी कि जो हमारे पास 10 दिन टोटल बचे थे उसमें से अब हमारे पास क्या बचे, अब हमारे पास केवल 8 दिन बचे, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब बताओ सी वन के लिए हमने देख लिया टी टू, सी वन के लिए टू दो तरीके हो सकते हैं पर पहनने के कपड़े, सी टू के पहनने का तरीका दो हो सकता है, और जो रिमेनिंग बचे उनमें क्या है, अब हमारे पास 8 क्लॉथ हैं और दिन कितने हैं 8 हैं, यानी कि अब इसको आप लिख सकते हो, इसका तरीका क्या हो सकता है, 8P8 हो सकता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8-8, यानी कि इसको आप हो सकता है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0, और ये आएगा फैक्टोरियल 8। अगर मैं टोटल वेज की बात करूँ कि टोटल आप कंबाइन कर दो तो क्या होगा, जो टोटल वेज निकल के आएगा, सी वन पहनने का तरीका क्या है, टोटल दो तरीके हैं, सी टू को पहनने का तरीका क्या है, दो तरीके हैं, और रिमेनिंग जो 8 बचे उनको पहनने का क्या तरीका है, उनको पहनने का तरीका है फैक्टोरियल 8। जब इनको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये निकल के आएगा 161280, और ये क्या होगा, इसका तरीका होगा। समझ में आया कैसे, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसने बोल दिया है कि C1 से लेकर C10 तक हमारे पास क्या है, आपके क्लॉथ्स हैं, ड्रेसेस हैं, और इनको D1 से लेकर D10 तक, यानी कि 10 दिन इसको पहनना है, हर दिन एक नया ड्रेस पहनना है। लेकिन इसने कुछ कंडीशन दे दिया है, इसने बोल दिया C1 को या तो D8 पे पहन सकती है या फिर DQ पे पहन सकती है, ये दो तरीके हैं, ठीक है। तो आप बताओ कि D8 और D9 पे पहन सकती हो और सारे इसके ऑप्शन ब्लॉक कर दिए, तो इसको C1 के पहनने के तरीके कितने होंगे, टोटल दो तरीके होंगे। C2 को बोल रहा है कि या तो D8 पहन सकती है, फिर D9 पहन सकती है, या फिर D10 पे पहन सकती है। लेकिन हमें पता है कि जब D8 और D9 पे कोई एक जो दिन है वो C1 ब्लॉक कर लेगी, तो D8 और D9 में से इसके पास क्या बचेगा, एक दिन बचेगा, और D10 का क्या है, एक दिन बचेगा, यानी कि C2 के पास क्या बचेगा, दो तरीका होगा पहनने का, ठीक है। ऐसे ही अब हमने क्या किया, C1 और C2 को देख लिया, अब हमारे पास टोटल 10 शर्ट थे। अब जब हमने दोनों को यूज़ कर लिया, C1 C2 यूज़ कर लिया, तो हमारे पास रिमेनिंग शर्ट कितने होंगे, 8 होंगे, और हमने दो दिन इसको पहनने में लगा दिया C1 C2, क्योंकि हमें हर एक दिन पता है कि एक ही शर्ट पहन सकते हैं या क्लॉथ पहन सकते हैं, तो C1 और C2 पहले ही पहन लिया होगा, तो 10 में से कितने दिन हमारे पास बचे, अब 8 दिन, यानी कि अब 8 कपड़े बच रहे हैं और 8 दिन हमें पहनना है, तो इसका तरीका क्या हो सकता है, फैक्टोरियल 8 हो सकता है। और टोटल जो तरीका होगा, हमने क्या किया, C1 का 2 और C2 का 2 और जो 8 बचे उनका फैक्टोरियल 8, सबको हमने क्या कर दिया, इनटू कर दिया, तो ये टोटल तरीका आएगा 16 12 80। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम क्लॉथ को पहन सकते हैं हर एक दिन, हर एक नया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहते हैं, हाउ मेनी 17 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म सच दैट दे रीड द सेम वे फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड, दैट इज द नंबर्स विल बी पैलिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि पैलिंड्रोम होता क्या है। तो इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। एक नंबर है, मान लो 1 2 4 2 1, ये क्या है, एक पैलिंड्रोम नंबर है। क्यों? क्योंकि आप देखो, इसको आप इधर से पढ़ो, स्टार्टिंग से लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हो, 1 2 4 2 1 आ रहा है, या फिर आप इसको क्या करो, राइट से लेफ्ट पढ़ो, तभी क्या आ रहा है, 1 2 4 2 1 आ रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हो, आप पैलिंड्रोम नंबर बोलते हो। अब इसमें क्या देख रहे हो, इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 1 2 यहाँ पे भी है और इधर से पढ़ रहे हो तो 1 2 यहाँ पे भी है, यानी कि मान लो इसमें नंबर कितने टोटल, कितने डिजिट हैं, यानी कि इसमें एन क्या है, इसमें टोटल 5 डिजिट हैं। तो आप अगर 5 डिजिट देख रहे हो, जितने भी आपके डिजिट होंगे उसका क्या करो, आप n-1/2 कर लो, यानी कि 5 में से 1 करोगे तो क्या होगा, 4 4/2 करोगे तो क्या आएगा, 4/2 हो जाएगा, और यानी कि 2, यानी कि जो भी पैलिंड्रोम नंबर होगा उसमें जितने भी डिजिट होंगे उसको जब आप n-1/2 से डिवाइड करोगे, यानी कि 2 जो डिजिट होंगे, स्टार्टिंग जो 2 डिजिट होगा और जो लास्ट का 2 डिजिट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 17 डिजिट है, 17 डिजिट अगर है, तो आप देखोगे कि पैलिंड्रोम कब होगा, अगर आप क्या करो, इसमें से n-1 कर लो और इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 17-8, 8 में 16, 16-2 करोगे तो क्या होगा, 8, यानी कि इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 8 स्टार्टिंग के, 1 बीच का और 8 क्या होंगे, लास्ट के। तो ये जो 8 स्टार्टिंग वाले हैं और ये लास्ट वाला होगा, ये क्या होगा, दोनों सेम होगा, और ये क्या होगा, दूसरा हो सकता है। यानी कि आपको दिख रहा है कि अगर आप 5 डिजिट का नंबर ले रहे हो तो उसके स्टार्टिंग वाले नंबर क्या हो रहे हैं, 2 1, और ये वाला जो आपका नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये पूछ रहा है, हाउ मेनी 17 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म सच दैट दे रीड द सेम वे फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड। अब इसको समझने से पहले, 17 डिजिट को समझने से पहले हम यही समझ लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 डिजिट ही है, और हमें क्या करना है, कितने वे तरीके से हम पॉलिंड्रोम नंबर बना सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 5 तरीके हैं, यानी कि 5 हमारे पास क्या है, ब्लॉक हैं, 2 3 4 और ये 5। अब हमें पता है कि जो स्टार्टिंग हमने देखा कि 2 जो होंगे, 2 इसका जो होगा स्टार्टिंग में और जो 2 लास्ट में होगा वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब सपोज करो 2 और 1 यहाँ पे जो भी हम नंबर रखेंगे वो भी क्या होगा, वो सेम आपका पीछे होने वाला है, यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसमें कुछ भी नहीं बढ़ सकते हो, इसमें जो आगे होगा वही क्या होगा, आप उसमें डालोगे, और इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से डाल सकते हो, यानी कि जो आपने यहाँ पे डाल दिया वो भी यहाँ पे पड़ेगा। तो यानी कि इसको भरने का तरीका क्या होगा, इसको भरने का तरीका 1 × 1 होगा, क्योंकि इसमें वही भरोगे जो आगे होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 1 × 1 तरीके से इसको भर सकते हो, ठीक है।
अब देखो आगे वाले में क्या भर सकते हो, जो पहला डिजिट होगा वहाँ पे क्या आ सकते हैं। पहले डिजिट में आप देख रहे हो कि अगर हम मुझे आपका 5 डिजिट बनाना है, तो 5 डिजिट बनाने में अगर मान लो हम यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, 0 से लेके 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन अगर 5 डिजिट का बनाना है हमें, तो हम यहाँ पे 0 इंटर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम 0 इंटर नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना तरीका बचेगा? तो हमारे पास तरीका जो बचेगा वो बचेगा आपका 9 तरीका बचेगा। अब देखो 9 तरीका यहाँ पे बचा, और हमारे पास क्या बच रहे हैं, अब हमारे पास और 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ऑप्शन बच रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या बच सकते हैं, अब हमें यहाँ पे 0 भी डाल सकते हैं और 9 भी डाल सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक सब कुछ डाल सकते हैं। यानी कि इसको हम 10 तरीके से भर सकते हैं, और इसको भी क्या कर सकते हैं, 10 तरीके भर सकते हैं। तो जो टोटल वेस्ट निकल के आ रहा है आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हो रहा है 9 × 10² तरीके से क्या कर सकते हैं, इस पॉलिंड्रोम को हम फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें क्या हो, टोटल 5 डिजिट नंबर हो। इसका तरीका क्या होगा, 9 × 10²। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोले 17 डिजिट नंबर बनाना है, तो हमें पता है कि इसमें जो रिपीट वाले नंबर होंगे वो कितने होंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, n-2 कर लेते हैं। यानी कि 17 दिया है, तो 17 − 1/2 यानी कि 16/2 यानी कि 8 जो डिजिट होंगे वो रिपीट करेंगे। यानी कि अगर मैं इसको बनाऊँ ब्लॉक के रूप में, तो हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 जो होंगे यहाँ पे हम कुछ भी भर सकते हैं, यानी 0 से लेकर 9, तो जो भी होगा मैं बताऊँगा कैसे भरना है। यहाँ पे जो यहाँ पे भरोगे वही क्या होगा, लास्ट में आएगा, ठीक है। ऑर्डर चेंज करके क्या होगा, लास्ट में यही आएगा, तभी पॉलिंड्रोम बनेगा जैसे हमने यहाँ पे देखा। तो इन सबको भरने का तरीका क्या होगा, ये तरीका 1 × 1 होगा, यानी कि टोटल एक तरीके से ये आप क्या कर सकते हो, लास्ट 8 वाले को भर सकते हो। जो आगे वाले बचे उनका क्या, तो देखो जो आगे वाले बचे, अब यहाँ पे पास हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, 0 से लेकर 9 तक ऑप्शन बचता है, ठीक है। यानी कि टोटल 10 तरीके हैं। अब हमें दिख रहा है कि अगर मान लो कि 17 डिजिट का फॉर्म करना है, तो आगे वाला जो डिजिट है इसमें 0 से लेकर 9 तो ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ पे 0 इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम 0 नहीं डाल सकते, तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, यानी कि अब हमारे पास 0 हट गया, तो हमारे पास 9 तरीके हैं इसको भरने के, ठीक है। अब जो रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग कितने बच रहे हैं, इसको हम 10 तरीके से भर सकते हैं, इसको 10 तरीके से भर सकते हैं, इसको 10 तरीके से भर सकते हैं, इसको 10 से कर सकते हैं, इसको 10, इसको 10, इसको 10, इसको 10। तो अब आपको देखो कितने बच रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि अब हमारे पास जो ऑप्शन बच रहा है, यानी कि ये बचा 10^8। अब जो टोटल तरीका होगा इसको फॉर्म करने का, पॉलिंड्रोम फॉर्म करने का 17 डिजिट नंबर का, वो क्या हो सकता है, वो हो जाएगा 19 × 10⁸, ठीक है। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप देख लो कौन सा है, 9 × 10⁸, तो ये आपका ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। अब इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा n = 5 लेके, यानी कि 5 डिजिट नंबर अगर फॉर्म करना है और वो क्या हो, पॉलिंड्रोम नंबर हो, तो हमने ये देखा केस, हमने 17 वाला भी देख लिया। अब इसको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए अगर मान लो कि हमें क्या करना है, अब हमें 9 डिजिट का क्या बनाना है, पॉलिंड्रोम नंबर बनाना है। तो 9 डिजिट बोले तो अब इसमें से क्या करना होगा, अब हमें ये पता करना होगा कि n-1 to कितने नंबर इसमें रिपीट होंगे। तो n-1 करोगे तो कितना होगा, 8, 8-2 करोगे, ÷2 करोगे तो यानी कि 4। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो आगे के 4 नंबर होंगे और एक नंबर क्या होगा, यूनिक होगा, और पीछे के जो 4 नंबर होंगे वो तो कॉमन होंगे। यानी कि इसके जो फिल करने के तरीके होंगे वो होगा, एक तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो सारे को। और जो आगे वाले बच रहे हैं, आगे पास हमारे पास क्या बच रहे हैं, 5 ऑप्शन बच रहे हैं, 5 ऑप्शन भरे, तो आगे वाले पे आप 0 इंसर्ट नहीं कर सकते हो, 0 से लेकर 9 तक आपके पास ऑप्शन है फिल करने के, लेकिन 0 आप नहीं डाल सकते हो, तो यहाँ पे क्या बचे, 9 तरीके बचे, इनटू, और यहाँ पे आपके कितने तरीके बचे, 1, 2, 3, 4, यानी कि 10⁴ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10⁴ हो जाएगा। तो टोटल जो तरीका होगा आपके 9 डिजिट पॉलिंड्रोम बनाने का, वो हो जाएगा 9 × 10⁴। अब इसको अगर डायरेक्ट करना है, अब जैसे मान लो कि अगर आपको दे दे कि अगर आपको दे दे 15 डिजिट का पॉलिंड्रोम बनाना है, तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, तो इसका फॉर्मूला आप याद रख लो कि 9 × 10⁻², ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, अब इसमें फिट कर दो, 9 ये हो गया, 10, n-1 करो, 15-1 करोगे तो क्या होगा, 14, 14-2 करोगे तो क्या होगा, 17। तो इसका तरीका जो होगा 15 डिजिट फॉर्म करने का, वो होगा 9 × 10⁷, 17 डिजिट क्या होगा, 10⁸, 8 × 9, इसको भी रख के देख लो। अगर मान लो 17 डिजिट का करना है फॉर्म, तो डायरेक्टली इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कैसे ये फॉर्मूला आया। तो ये फॉर्मूला आप रखोगे 9 × 10⁻ क्या रखते हो आप, n-1/2। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे 17 है, तो 17-1 करोगे तो क्या होगा, 16, 16-8 करोगे तो क्या होगा, डिवाइड करोगे 8 तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8। तो ये क्या आया, 9 × 10⁸, यही आपका ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है, फॉर्मूला से, बिना फॉर्मूला से, जो भी मर्जी है वैसे आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है, ये कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए ग्रुप ऑफ 7 प्लेयर्स बी फॉर्म फ्रॉम 10 स्टेट लेवल प्लेयर्स एंड 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर्स सर्च दैट द ग्रुप कंटेंट्स एग्जैक्टली 1 डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब देखो क्या करना है, आपको 7 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, क्या करने हैं आपको, 7 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। कहाँ कहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपके पास स्टेट से क्या आ सकते हैं, स्टेट लेवल से कितने दिए गए हैं प्लेयर, आपके स्टेट लेवल के आपके टोटल 10 प्लेयर हैं,
आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्या हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से कितने प्लेयर आ रहे हैं, इसमें आपके 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट लेवल से कितने प्लेयर हैं, 3 हैं, और आपको सेलेक्ट करना कितना है, 7 प्लेयर को सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा है, यहाँ पे करना है कि सर्च दैट द ग्रुप कंटेंट एग्जैक्टली 1 डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर, यानी कि जो भी आप सेलेक्ट करो 7 में से, उसमें से एक तो क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना ही चाहिए। तो देखो इसमें क्या करना है, सेलेक्ट करने की बात आ रही है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन मीट करना है कि हमें एक तो चाहिए ही आपका क्या डिस्ट्रिक्ट से आ जाए। तो अब बताओ कि अगर डिस्ट्रिक्ट से आपके टोटल 3 हैं, 3 में से क्या करना है, हमें एक को ही सेलेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3C1 तरीके से हम कर सकते हैं। अब बचा 10, अब हमें टोटल 7 सेलेक्ट करने थे, अब जिसमें से हमने एक सेलेक्ट कर लिया डिस्ट्रिक्ट से जो कि हमें दिया गया था। अब हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास 6 ऑप्शन बचेंगे, और 6 तो हमारे पास ऑप्शन बचेंगे तो क्या करना है, अब हम क्या हमारे पास ऑप्शन है, अब हमें 10 जो है दिए गए स्टेट में से उसमें से क्या करना होगा, 6 सेलेक्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 10C6, ठीक है। दोनों को इंटू कर दो तो आपका टोटल बेस पता चल जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10, और ये होगा आपका फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4, ये कितना होगा, ये आपका होगा फैक्टोरियल 3 और इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी कि 3 होगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 210 इंटू 3, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 630। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट वाला आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। आपके 3-4 ऑप्शन दिए गए, ये वाला आपका फॉर्म में दिया गया है। अब देखो इसको कैसे करना है, आप पहला वाला इक्वेशन देखो, ये आपको देखना है कि क्या ये सही है कि नहीं। तो आपको दिया क्या है, NCR दिया गया है, और ये देखना है NCR-1 इक्वल टू बोला है N+1, और ये क्या है, CR दिया गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब देखो इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ये तो एक रूल भी होता है, इससे से ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये सही है। लेकिन अगर मान लो आपको रूल नहीं पता है तो आपको करना क्या है, आप क्या करो, कुछ भी नंबर ले लो, हमने मान लिया कि N के जगह पे हमने 3 ले लिया, और R की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं। अब दोनों LHS और RHS में क्या करो, इन दोनों को पुट करो, और देखो क्या LHS जो है वो RHS के बराबर आ रहा है। अगर ये बराबर आएगा तो यानी कि ये दोनों क्या है, दोनों जो साइड है वो पूरा इक्वेशन भी जो दिया गया है वो क्या है, ट्रू होगा। अब हम रख के देखते हैं, अब हमें एन की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, और यहाँ पे 3, और आर की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो हमने 2 रख दिया। एन की जगह पे हमें 3 रखना है, सी आर में से 1 माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 1, और ये क्या आएगा RHS में N+1, यानी कि 3+1 4 हो जाएगा, और सी आर कितना है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 रख दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल 3, और ये क्या आएगा फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 4, और ये होगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो ये जो आपका आएगा, ये आएगा आपका देगा, ये आएगा 3, और ये क्या आएगा 3, और ये क्या आएगा, ये आपका आएगा टोटल 6। अब दोनों को ऐड कर दो, 3+3 कितना होता है 6, और यहीं क्या आ रहा है 6, यानी कि आप देख रहे हो कि LHS और RHS दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों कंडीशन N=3 और R=2 रखने पे, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। लेकिन हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो ये ऑप्शन इसका राइट नहीं होगा। आगे भी देखते हैं, NCR=1 फॉर R=0 एंड R=1 एन। अब यानी कि बोल रहा है कि आपको बी वाला ऑप्शन देखो, आपको दिया गया है NCR=1 दिया गया है, अब बोल रहा है कि R=0 रख दो, और हमें क्या रखना है, R=N पे क्या होना चाहिए, दोनों पे 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, रखते हैं, दो केसेस का बनेगा, हम एक जगह रखेंगे क्या फॉर R=0, और जो दूसरा है वो बोल रहा है फॉर R=N, दोनों में क्या होना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हम 0 रखते हैं इस वाले इक्वेशन पे, तो हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, ये बन जाएगा n फैक्टोरियल n, यहाँ पे ऐसे रख दो NC, और R की जगह पे क्या रखना है, हमें 0 रखना है, तो ये हो जाएगा ये, और ये इक्वेशन जो बनेगा R=N रखना है, तो ये हो जाएगा NCN। अब दोनों को सॉल्व करो, NC0 बोले तो क्या होता है, ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 0, और n में से 0 माइनस करोगे तो क्या होगा, ये आपका n ही होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये फैक्टोरियल 0 का जो होता है वो 1 होता है, और ये से ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर आ रहा है 1, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये होगा फैक्टोरियल n, और ये क्या होगा, नीचे आएगा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n-n=0, और ये भी क्या होगा, इससे कट जाएगा, और ये भी क्या आएगा 1, यानी कि दोनों कंडीशन के लिए क्या कर रहा है, ये मीट कर रहा है, यानी कि क्या है, ये भी ऑप्शन राइट है, ठीक है। लेकिन हमें इनकरेक्ट सॉल्व करना है, तो ये भी इसका आंसर राइट नहीं होगा। फिर अगला जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि आपका जो सी ऑप्शन दे रहा है, ये दे रहा है NCR=N-1 CR-1 N-1 सी का सी और है, इसके नीचे क्या है, आर है। अब इसको भी सेम तरीके से कर सकते हो, आप क्या कर लो, एन का वैल्यू 3 रख लो, और आर की वैल्यू यहाँ पे 2 रख लो, रखते हैं, यहाँ पे आप रखोगे 3C2 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 3 में से 1 जाए तो 2 हो जाएगा, सी आर में से 2 हो जाए तो यहाँ पे 1 बचेगा,
ये हो जाएगा एन माइनस वन यानी थ्री माइनस वन टू, और सी आर क्या है यहाँ पे टू है। अब जब इनको सॉल्व करोगे थ्री सी टू क्या होता है, ये आपका थ्री देगा, और ये क्या होगा टू सी वन क्या होगा, ये टू होगा, टू सी टू क्या होगा ये वन होगा, ये आपका क्या हुआ, ये आपका थ्री आया इधर एल एच एस में, और आर एच एस को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये भी थ्री आएगा। यानी कि आप देख रहे हो कि एल एच एस और आर एच एस क्या है, दोनों का सेम आ रहा है, तो यानी कि ये वाला भी जो इक्वेशन दिया गया वो भी सही दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन डी इसका राइट होगा, नॉन ऑफ द वेव जो होगा ये कोई इसमें से ऑप्शन क्या है गलत नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ना, जिमी एंड विशाल आर प्लानिंग अ डिनर पार्टी, विशाल हैज फोर वेजिटेरियन फ्रेंड एंड थ्री नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड। देखो विशाल क्या आ रहा है, विशाल और जिमी जो के हैं एक डिनर पार्टी प्लान कर रहे हैं, जो विशाल है उसके कुछ दोस्त हैं जिसमें से आपके क्या आ रहे हैं, चार वेज वाले हैं जो वेज खाने वाले हैं, तीन जो हैं वो है नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, वाइल जिमी हैज थ्री वेजिटेरियन फ्रेंड एंड फोर नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड, और जो जिमी है उसके भी आपके दोस्त हैं कुछ, तो जो जिमी के फ्रेंड हैं उनके पास क्या है, इनके में तीन वेज हैं, तीन वेज को खाने वाले हैं, और क्या है चार जो हैं वो नॉन वेज खाने वाले हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, दे डिसाइडेड टू इनवाइट फोर फ्रेंड्स इन टोटल। अब जो सेलेक्ट कितना करना है, इनवाइट करना है इनको, चार ही को इनवाइट करना है, लेकिन दोस्त कितने हैं, चार तीन सात चौदह दोस्त हैं, और इनवाइट कितने करना है चार को। इट वॉज डिसाइडेड दैट बोथ ऑफ देम विल इनवाइट टू ऑफ देयर फ्रेंड। अब देखो चार को तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि चार किसी के जिमी के ही चार आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको विशाल जो है विशाल को दो इनवाइट करना होगा, और जिमी को क्या करना होगा, दो इनवाइट करना होगा, और दोनों को मिला के यानी कि चार इनवाइट करना। और फिर क्या बोल रहा है, विल इनवाइट टू ऑफ देयर फ्रेंड एंड आल्सो इंश्योर दैट देयर आर टोटल ऑफ टू वेजिटेरियन एंड टू नॉन वेजिटेरियन। अब देखो इसमें भी क्या बोल रहा है कि चार तो आने चाहिए, दो विशाल के दो जिमी के, और इसमें क्या होने चाहिए, दो जो सेलेक्ट हों वो वेज वाले हों, और दो क्या हों नॉन वेज वाले हों, ये सारा का सारा कंडीशन दिया गया। ठीक है, अब देखो अब इससे बोल रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन दे इनवाइट देयर फ्रेंड्स टू द डिनर पार्टी। अब कितने तरीके हो सकते हैं इसको देखने के, तो सबसे पहले तो यही हो सकता था कि भाई ऐसा बोलो कि वेज और नॉन वेज वाला है, तो ऐसा करते हैं कि वेज ही बना लेते हैं, अब जो नॉन वेज वाला है वो तो वेज खा ही सकते हैं, तो सिंपल सा इक्वेशन यही हो जाता है कि सबको बुला ले और वेज वाला कोई आइटम बना ले, आराम से काम निपट जाता। लेकिन अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि नहीं नॉन वेज और वेज वाला है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इसलिए ये होता है कि आप नॉन वेज खाओ ही ना वेज ही खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई बात नहीं, हम इस वाले केस को लेके सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें तीन केसेस बनेंगे, क्या केस बनेगा देखो ध्यान से समझना। केस वन में क्या हो सकता है, केस वन हो सकता है कि जो विशाल है, अब ये क्या करे कि दो को बुलाना है, हर बंदे को विशाल को हो चाहे जिमी हो वो दो दो बुलाएंगे, टोटल चार बनाने हैं, और दो वेज होना चाहिए और दो नॉन वेज होना चाहिए, तो क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं, विशाल क्या कर सकते हैं, एक वेज को बुला ले और क्या बुला ले, एक नॉन वेज को बुला ले, एक तरीका ये हो सकता है। तो इसके दो तरीके हो जाएंगे, यानी कि दो बुला लिए इसने, दोनों कंडीशन मीट कर रहे हैं। फिर जिमी भी क्या कर सकते हैं, एक वेज वाले को बुला ले और दूसरा क्या बुला ले, एक नॉन वेज वाले को बुला ले। अब देखो इसमें चेक करते हैं क्या ये कंडीशन मीट कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन फुलफिल हो रहे हैं, यानी कि टोटल चार लोगों को बुलाना है, यानी कि दो बुला रहे विशाल दो बुला रहे जिमी, तो चार तो हो जा रहे हैं। इसमें देखना है कि दो वेज और दो नॉन वेज आ जाए, यानी कि विशाल ने एक किया और जिमी ने क्या किया एक, तो यानी कि ये भी कंडीशन मीट हो रहा है कि दो दो करके बुला रहे हैं, यानी कि आप इसमें यहाँ पे देख रहे हो कि वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू वेज हो रहा है और वन प्लस वन टू नॉन वेज हो रहा है, ये वाला भी कंडीशन क्या हो रहा है मीट हो रहा है, और ये टोटल में कितने हो रहे हैं चार लोग को बुला रहा है, ये कंडीशन पूरा मीट हो रहा है, ये केस एक बन रहा है। अब इसको सेलेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है, अब देखो जो विशाल है वो एक वेज को कितने तरीके से बुला सकते हैं, अब हमें पता है एक वेज इसके पास कितने वेजिटेरियन फ्रेंड हैं, चार वेजिटेरियन फ्रेंड हैं, और इसमें से क्या करना है इसको एक को सेलेक्ट करना है, तो क्या तरीका हो सकता है, यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाओगे, यानी कि चार में से क्या करना है एक वेजिटेरियन को सेलेक्ट करना है, तो इसके पास चार वेज खाने वाले हैं और इसमें से एक सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा फोर सी वन हो जाएगा। एक नॉनवेज को अगर बुलाना होगा तो ये क्या करेगा, इसको नॉनवेज खाने वाले कितने दोस्त हैं तीन है, और तीन में से क्या करना है एक ही को बुलाना है, तो ये हो जाएगा थ्री सी वन। जिमी के केस में देखते हैं, जिमी केस में क्या है एक वेजिटेरियन को बुलाना है, जिमी में वेज खाने वाले कितने हैं तीन है, तो ये कितने तरीके से बुला सकते हैं थ्री सी वन बुला सकते हैं। अब जिमी नॉनवेज को एक बुलाना है तो नॉनवेज खाने वाले दोस्त कितने हैं जिमी के, ये हैं चार, तो इसको बुलाने का तरीका हो सकता है फोर सी वन हो सकता है। तो टोटल तरीके कितने निकल के आ रहे हैं ये देखो, जो टोटल वे निकल के आएगा वो विशाल जो है वो कितने तरीके से बुला सकते हैं, तो विशाल का जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है फोर सी वन इंटू थ्री सी वन। जो जिमी बुलाएगा वो कितने तरीके से बुलाएगा, ये हो सकता है थ्री सी वन इंटू फोर सी वन, यही मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो दिखा गया वही दोनों को एक साथ में ले रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मैं कुछ अलग लिख रहा हूँ, यही है जो वेज वाला था दोनों कंबाइन करके यहाँ पर मैंने लिखा है। तो आप देखोगे कि इसका जो तरीका होगा, जो विशाल जो फाइंड कर रहे हैं वो 12 तरीके को बुला सकता है जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो, और जो जिमी है इन दोनों को लेते हुए ये भी क्या कर सकते हैं 12 तरीके से बुला सकते हैं,
ठीक है, जो टोटल तरीके हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 12 × 12, यानी कि टोटल 144 वेज हो सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, पूरा क्लियर नहीं है कितने केसेस बनाए कितना केसेस नहीं बना रहा है, तो काफ़ी बच्चे जो होंगे वो 144 भी क्या कर देंगे, इसका आंसर मार्क कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसके दो और केस बन सकते हैं। एक तो केस ये भी बन सकता है कि एक एक को सेलेक्ट कर लें और एक विशाल ने एक वेजिटेरियन फ्रेंड बुला लिया, एक नॉनवेज वाला बुला लिया, जिमी ने एक वेजिटेरियन बुला लिया और एक नॉनवेज बुला लिया, ये पूरा केस सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या और कोई केस बन सकता है जो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, देखते हैं क्या और कोई केस बन सकता है। तो देखो दूसरा वाला केस क्या बन सकता है, यहाँ पे आप देखना ध्यान से, एक केस को क्या हुआ, इसमें हुआ 144 तरीके बन रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, केस टू देखते हैं क्या दूसरा कोई तरीका हो सकता है जिससे कि ये कंडीशन मीट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक कंडीशन ये लेते हैं कि जो विशाल है, विशाल क्या कर ले, दो वेज को बुला ले, दो वेज खाने वाले को बुला ले, और यहाँ पे क्या हो, कोई भी नॉन वेज वाले को ना बुलाए विशाल, क्या बोले, नॉन वेज वाले को वो नहीं बुला रहे हैं। और वही जिमी क्या करें, जिमी क्या कर रहा है, जिमी दो नॉनवेज वाले को बुला ले अपने दोस्त को, क्या कर ले, दो नॉनवेज वाले को बुलाए, और अपना जीरो जो है वो वेज वाले को कोई ना बुलाए। यानी कि जो दो दो सेलेक्ट करने हैं, दो वेजिटेरियन दो नॉन वेजिटेरियन सेलेक्ट करने हैं, तो विशाल दो को बुला ले वेजिटेरियन वाले को, और जिमी क्या करे, अपने दोस्तों में से दो नॉनवेज वाले को बुला ले। तो इनका तरीका क्या हो सकता है, तो विशाल क्या कर सकते हैं, दोनों ही सेटिस्फाइड भी कर रहे हैं, चार को ही बुला रहा है टोटल, और इसमें से दो वेज और दो नॉनवेज वाले हो रहे हैं। तो देखो विशाल कितने तरीके से बुला सकते हैं, विशाल को बुलाना है दो वेजिटेरियन वाले को, तो वेजिटेरियन फ्रेंड कितने हैं विशाल के, चार हैं, तो चार में से दो को बुलाना है, तो क्या तरीका हो सकता है, ये हो सकता है 4C2 हो सकता है, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब तो जिमी कितने तरीके से बुला सकते हैं, जिमी को क्या बुलाना है, दो नॉन वेज वाले को बुलाना है, जिमी के चार जो दोस्त हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, यानी इसकी चार में से किसको बुलाना है, दो को बुलाना है, तो ये हो जाएगा 4C2, यानी कि इसके भी क्या हो गए, 6 तरीके हो गए। टोटल तरीका क्या होगा, टोटल जो वेज होगा वो निकल के कितना आएगा, इसको क्या करना होगा, 6 × 6 कर दोगे तो ये आएगा 36 तरीके। यानी कि जो केस टू बन रहा है 36 तरीके से बुला सकते हैं, जब जो आपका विशाल है वो दो को बुला ले, दो वेजिटेरियन को बुला ले, और जो जिमी है वो दो नॉन वेज वाले को बुला ले, तो ये क्या होगा, 36 तरीके से बुला सकते हैं। अब केस तीन भी क्या बन सकते हैं वो देख लेते हैं, केस थ्री क्या बन सकता है, हमने क्या किया, केस थ्री देखा, केस थ्री में ये हो सकता है कि जो विशाल है वो क्या करे, विशाल इस वाले में क्या किया था, दो वेजिटेरियन वाले को बुलाया था, अब क्या करे, विशाल जो है वो जीरो वेजिटेरियन को बुलाए, कोई वेज वाले को ना बुलाए, और क्या करे, वो दो नॉन वेज वाले को अब विशाल बुला ले, पहले क्या रहा हो रहा था, जिमी बुला रहा था, अब क्या करे, दो नॉन वेजिटेरियन वाले को विशाल बुला रहा है, और जिमी क्या करेगा, जिमी अब अपोजिट करेगा, जो पहले दो नॉन वेज वाले को बुला रहा था, अब ये क्या करेगा, दो वेज वाले को बुलाएगा, ठीक है, और जीरो नॉन वेज वाले को बुलाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्या होगा, हमारा कंडीशन फिलफोर हो रहा है, चार लोगों को बुलाया जा रहा है, दो नॉन वेज और दो वेज वाले को, तो विशाल कितना तरीके से बुला सकते हैं, विशाल को क्या बुलाना है, दो नॉन वेज वाले को बुलाना है, और नॉन वेज खाने वाले कितने हैं विशाल के फ्रेंड, ये आपके तीन, यानी कि इसमें से विशाल के पास ऑप्शन बच रहा है 3C2 तरीके से बुला सकते हैं, यानी कि इसको बुलाने का तरीका क्या है, तीन। जो आपका जिमी है, क्या है, जिमी, जिमी के पास कितने तरीके होंगे, जिमी को क्या बुलाना है, दो वेजिटेरियन को, और इसके पास वेजिटेरियन फ्रेंड खाने वाले कितने हैं, तीन है, यानी कि इसके पास भी क्या ऑप्शन होगा, तीन में से दो को बुलाना है, तो ये हो जाएगा 3C2, इसको भी तरीका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जो टोटल तरीका निकल के आया वो कितना हो जाएगा, टोटल जो वे होगा वो होगा 3 × 3, ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखो टोटल कितना तरीका हो गया, केस वन केस टू सबको जोड़ दो, जो टोटल वे होगा वो क्या होगा, आप इसको जोड़ दो, C1 केस 1 केस 2 और केस 3। केस वन क्या है, आप 144 हैं, ये ऐड कर दो, केस थ्री क्या है, 36 है, और केस थ्री क्या है, आपका 9 है, आप ऐड करो, 144 प्लस ये हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 189 होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो आएगा 189, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है, इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको ये पूरा इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है जब आप n = 5 रख दो और r = क्या रख दो, 2 रख दो। अब इसमें हम रख देते हैं, तो इसको रखोगे तो क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेगा 2 × ये मिलेगा आपको 4C1 + 4C2 + यहाँ पे मिलेगा 3 × यहाँ पे आपका हो जाएगा 4C2 + 4C3, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 80, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर, 80 आंसर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपको सिंप्लीफाई करने आ गया होगा, पूरा बता दिया, आपको फॉर्मूला ये लगाना है, NCR का फॉर्मूला लगाना है, तो ये होता है फैक्टोरियल n ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल r * फैक्टोरियल n - r, ये फॉर्मूला लगाना है, आप देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 80, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है,
अ स्टूडेंट इज सेलेक्टिंग बुक फ्रॉम लाइब्रेरी सेल्फ देर आर सिक्स फिक्शन बुक्स एंड फोर नॉन फिक्शन बुक्स इफ द स्टूडेंट नीड टू बी चूजन चूज टू बुक्स हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन सच दैट बोथ ऑफ द सेलेक्टेड बुक्स आर आइदर फिक्शन और नॉन फिक्शन। अब देखो जहाँ भी आपको और दिख जाए और बोले तो यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। आपको दो केसेस इसमें मिलेंगे और दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब देखो आपके पास कितने बुक हैं, जो स्टूडेंट है उसके पास क्या दिख रहा है, आपके पास छः फिक्शन बुक हैं, कितने बुक हैं, सिक्स फिक्शन बुक हैं और चार क्या हैं, नॉन फिक्शन बुक हैं। चार कितने हैं, चार नॉन फिक्शन बुक हैं। और आपको सेलेक्ट कितना करना है, दो बुक को सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, दो बुक को सेलेक्ट करना है और जहाँ पर सेलेक्ट आए यानी कि आपको क्या फॉर्मूला लगेगा, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसके दो केसेस बनेंगे, क्या केसेस बनेंगे, एक केस जो ये बनेगा कि वो क्या करे, वो दोनों बुक क्या सेलेक्ट कर ले, फिक्शन सेलेक्ट कर ले, फिक्शन बुक वाले दोनों को सेलेक्ट कर ले। और जो केस टू बनेगा, केस टू में क्या कर सकता है वो, कि वो दोनों नॉन फिक्शन वाली बुक को सेलेक्ट कर ले। अब देखो कैसे हो सकता है, दोनों तरीके हो सकते हैं और मैंने बताया कि और दिया गया है तो आप दोनों केस को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। केस वन में देखते हैं कि दोनों फिक्शन अगर बुक सेलेक्ट करते हैं तो उसके पास बुक कितना है, छः फिक्शन बुक है और चार नॉन फिक्शन है। अब छः में से अगर उसको दो बुक सेलेक्ट करना है तो किस तरीके से सेलेक्ट कर सकता है, केवल फिक्शन के लिए, तो ये हो जाएगा 662, 6C2, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 15, ठीक है। ऐसे ही केस टू जो बनेगा इसमें क्या कर सकते हैं, दो ही बुक सेलेक्ट करना है। अब ये क्या करें, दोनों बुक चार नॉन फिक्शन जो उसके बुक थे वो सेलेक्ट कर ले उसमें से। तो इसका क्या तरीका हो सकता है सेलेक्ट करने का, चार नॉन फिक्शन बुक इसके पास है और इसमें से दो कर लेता है तो 4C2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6। अब देखो और लगा हुआ है, आइदर फिक्शन और नॉन फिक्शन, तो इसको दोनों को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। तो जो टोटल वेज निकल के आएगा वो कितना आएगा, जो टोटल वेज निकल के आएगा वो हो जाएगा 15 + 6 = 21। टोटल तरीका कितना होगा, 21। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये PYQ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये 4 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था क्विज 2 का, उसमें पूछे जा चुके हैं। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो क्या वो अप टू मार्क है कि नहीं, आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। देखो इससे आइडिया ये भी लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन कह रहे हैं, अ कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 मैन एंड 4 वुमेन, यानी कि एक 7 मेंबर की कमेटी बनानी है जिसमें क्या शामिल है, इसमें 9 मेन शामिल है, यानी कि कहाँ से 7 लोगों की कमेटी बनानी है, कहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आपको दिया गया 9 मेन है और 4 वुमेन है, यानी कि 13 लोग हैं, उसमें से 7 लोगों को बनाना है। अब इसमें कुछ आपके ऑप्शन दिए गए, यानी कि कुछ स्टेटमेंट दिया गया, इसके बेसिस से कुछ कंडीशन होगा उसको मीट करना होगा। पहले क्वेश्चन बोलते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 वुमेन। देखो आपको कमेटी बनानी है कितने की, आपकी जो कमेटी बनानी है वो 7 लोगों की बनानी है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एग्जैक्टली आपको क्या लेना है, आपको जो वुमेन कैंडिडेट लेना है इस कमेटी में वो टोटल कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। और आप अलग क्या ले सकते हो, अगर 3 आपने मैन वुमेन सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास क्या है, 7 की कमेटी बनानी है, तो आप क्या कर सकते हो, जो मैन है उनमें से क्या कर सकते हो, आप 4 को सेलेक्ट कर सकते हो। यही तो बन रहा है, यही कहने का मतलब हुआ ना कि अगर एग्जैक्टली 3 वुमेन हो तो आप 3 कहाँ से लोगे, आप वुमेन से 3 सेलेक्ट करोगे, तो जो रिमेनिंग 7 को ही पूरा कमेटी बनने वाला है, तो 3 अगर हमने वुमेन सेलेक्ट कर लिया तो 4 क्या होंगे, मैन होंगे। अब हमें पता है कि 9 मेन है, यानी कि जो एन यहाँ पे मेन का है वो क्या है, ये टोटल मेंबर जो है मेन के वो कितने हैं, 9 है, और जो हमारा वुमेन है, वुमेन जो है उनमें क्या है, 4 वुमेन है। तो हमें हमारे पास क्या ऑप्शन दिख रहा है कि हमें 9 मेन में से क्या करना होगा, 4 को सेलेक्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 9C4। और क्या करना है, और हमें ये दिख रहा है कि हमें वुमेन में से हमारे पास 4 वुमेन है, उसमें से हमें 3 सेलेक्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 4C3। जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये आपका आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 126, और ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4। दोनों को इंटू कर दो आप तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 504, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 504। समझ में आया, यहाँ पे एग्जैक्टली 3 वुमेन बोला था। अब इसी में दूसरा जो सब क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना, इसमें आपको बोला है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 वुमेन। अब ये बोला है कि एटलीस्ट 3 होना चाहिए, यानी कि 3 हो सकती है या फिर 3 से तो कुछ ज़्यादा हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि मिनिमम तो 3 होना चाहिए। तो इसके दो केस बनेंगे, क्या क्या केस बनेंगे, एक जो केस वन बनेगा इसको देखो, केस वन और केस टू। केस वन क्या हो सकता है, हमें मिनिमम तो 3 लेना ही है, तो मिनिमम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 ओमेन लेना है मिनिमम। तो केस वन ये हो सकता है कि हम क्या कर लें, कमेटी में 7 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो 7 में से हम क्या कर सकते हैं कि 4 जो है वो मैन को ले लें, ठीक है, और 3 जो है वो क्या हम ले लें, वुमेन में से ले लें, ठीक है। हम 3 को ले सकते हैं, 3 हमें एटलीस्ट 3 लेना है, तो हम 3 क्या सकते हैं, वुमेन से ले लें, और 4 क्या है आपका मैन ले लें,
ये हो सकते हैं। और यही तो हमने अभी ये वाला सॉल्व किया, सात में से हमने क्या किया, वुमेन को 3 दिया और मैन में से क्या लिया, 4। तो इसके टोटल तरीके कितने हैं, इसके टोटल जो तरीके बनने थे वो बनने थे 504। हमने केस वन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब केस टू क्या बनता है, केस टू में ये बन सकता है कि अगर मान लो हमें 7 सेलेक्ट करना है तो हमें एटलीस्ट चाहिए 3, लेकिन ये हम क्या कर सकते हैं, अब एटलीस्ट 3 यानी कि अब हम 4 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 4 वुमेन सेलेक्ट कर लें और 3 क्या करें, 3 मैन सेलेक्ट करें, ये भी तो तरीका हो सकता है। तो केस टू ये हो सकता है, और हमारे टोटल जो आपकी वुमेन है वो केवल 4 ही है, तो एक्सट्रीम कंडीशन ये हो सकता है कि हम 4 में से 4 वुमेन को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने 4 वुमेन ले लिया और 3 मैन ले लिया। अब इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है, अब हम जान रहे हैं कि टोटल हमारी जो मैन है, जो वुमेन है, वो 4 ही है, और 4 में से अगर 4 को सेलेक्ट करना होगा तो क्या होगा, 4C4 होगा। अब मैन 3 सेलेक्ट करना है और हमें पता है कि जो टोटल मैन है वो कितने हैं, ये आपके मैन जो है उनकी संख्या 9 है। अब हमें 9 में से क्या करना है, अब हमें 9 में से केवल 3 मैन को लेना है, तो ये हो जाएगा 9C3। जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, आप इसको सॉल्व करो तो 4C4 जो आएगा ये कितना आएगा, ये 1 के बराबर आएगा, 1 इंटू हो जाएगा, और ये आपका होगा, इसको जब सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 9 में से 3 जाए तो कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, और ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 3 × 2 × 1, और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। आपका 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल निकल गया, और 3 से ये आपका 3 चला गया, 2 से ये 4 चला गया, तो आपके पास कितना बचा, 3 × 4 × 7, यानी कि टोटल 84 तरीका बचा, ठीक है। केस 2 के लिए क्या है, 84 तरीका है। अब हमारे पास केस 1 504 है और इसका कितना, 84 है, तो हमारे पास टोटल जो वेज होंगे वो कितने हो जाएंगे, जो टोटल वेज होगा सेलेक्ट करने का एटलीस्ट 3 वोमेन का, वो हो जाएगा 504 + 84, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 588। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 588 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है, इन अ डिनर पार्टी देयर आर 2 मेल्स एंड 5 फीमेल्स हु नीड टू बी सीटेड अराउंड ए राउंड टेबल, यानी कि एक राउंड टेबल है जिसमें आपके 2 मेल हैं और क्या है, आपके 5 फीमेल हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड सो दैट नो 2 मेल्स आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पे ये कंडीशन दे दिया है, अब पहले इसको समझो, टोटल कितने सीट हैं, 7 सीट हैं, 7 में से आपके 2 क्या हैं, 2 आपके मेल कैंडिडेट हैं और क्या हैं, 5 जो हैं वो हैं फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है कि आप 2 को क्या कर सकते हो, दोनों मेल जो हैं वो एक साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है, लेकिन अभी इसको बोल जाओ कि क्या कह रहा है। अब बताओ, फीमेल में कोई कंडीशन नहीं बोल रहा है, तो फीमेल को अगर मान लो कि सर्कल में बैठाना है, सर्कल में बैठाना है, 5 फीमेल को बैठाना है, तो हमने देखा था कि अगर राउंड टेबल पर या सर्कल में बैठाते हो तो कितना तरीका होगा 5 लोगों को बैठाने का, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा n-1 फैक्टोरियल तरीके से हम बैठा सकते हैं। यहाँ पे 5 फीमेल हैं तो इनको बैठाने का जो तरीका होगा वो कितना होगा, 5-1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 5-1 करोगे कितना होगा, 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, यानी कि फीमेल को कितने तरीके से बैठा सकते हो आप, 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, हमने 5 फीमेल को बैठा दिया 4 फैक्टोरियल से, तो सपोज़ करो कि यहाँ पे एक फीमेल बैठ रही है, यहाँ पे एक फीमेल है, एक यहाँ पे है 3, यहाँ पे क्या है, एक फीमेल यहाँ पे है, और ये क्या है, यहाँ पे एक फीमेल यहाँ पे है। अब हमें क्या करना है, दो जो दो मेल हैं वो एक दूसरे के पास नहीं बैठ सकते, यानी कि वो क्या करेंगे, वो इंटरलेप पे बैठेंगे, जो मेल हैं वो इंटरलेप पे बैठेंगे, यानी कि जो फीमेल है उनके बीच में बैठ सकते हैं, जैसे एक यहाँ पे मेल बैठ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं और यहाँ बैठ सकते हैं, यानी कि ऐसे जगह बैठेगा जो एक दो मेल जो है एक साथ ना बैठे। अब देखो, इस वाले केस में 2 मेल कभी भी एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एन जो दिख रहा है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑप्शन दिख रहे हैं मेल को बैठने के, ये आपके 5 जगह बैठ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बैठ जगह बैठ सकते हैं, लेकिन आपके मेल कितने हैं, नंबर ऑफ मेल कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 5 जगह में से आपको मेल को कितने जगह बैठाना है, 2 पे बैठाना है, तो इसका जो तरीका होगा वो कितना होगा, ये होगा 5C2 तरीके से बैठा सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, इसको बैठाने का जो मेल को बैठाने का जो तरीका निकल के आया वो कितना आया, वो 10 तरीके से बैठा सकते हो, ठीक है, आप इनको 10 तरीके से यहाँ बैठा सकते हो। लेकिन आप समझो कि यहाँ पे 2 मेल भी तो हैं, मान लो कि एक मेल को आपने यहाँ बैठाया और एक मेल को यहाँ बैठाया, ठीक है, यहाँ पे टोटल 10 तरीके बैठ रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है, ये आपस में तो जगह चेंज कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे एक लाइन पे अगर मानो एक यहाँ पे ए है मेल और ये क्या है, बी मेल है, तो ये तो अभी 2 हैं, तो इन दोनों क्या हो सकता है, ये अपना जगह इंटरचेंज भी कर सकते हैं ना, तो इनके पास क्या है, अगर आप दोनों मेल को बैठाना चाहो, ये आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं जगह, ये कितने बार हो सकता है इनको बैठाने का तरीका, अगर आप एक लाइन में बैठाते हो तो ये 2 फैक्टोरियल की तरह अपना बैठ सकते हैं, यानी 2 फैक्टोरियल का तरीका हो सकता है, यानी कि मेल में जो इंटरचेंज करेंगे वो कितना होगा, 2 बार चेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी ए बी बैठा फिर आपका बी ए बैठ सकता है, ठीक है, यानी कि 2 तरीके हैं, और उनके इंटरवल में बैठने के कितने तरीके हो सकते हैं, 10 तरीके हो सकते हैं।
अब देखो जो टोटल रास्ता होगा बैठने का वो कितना हो जाएगा, अब हमें रास्ता पता चल जाएगा। अब रास्ता ये बता चला कि जो फीमेल हैं उनको हम बैठा सकते हैं 4-pack-2 तरीके से, जो मेल हैं उनको हम इंटर लेव पर बैठाएंगे तो वो कितना होगा 10 के बराबर होगा 10 तरीके से। और दोनों जो मेल हैं अगर वो क्या करेंगे आपस में इंटरचेंज नहीं करेंगे तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 480। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 480 तरीके से दो मेल को आप बैठा सकते हो जो कि एक दूसरे के पास ना बैठें, वो बीच में बैठ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बैठ सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला जो है वो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। और आप देखो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्या है, ये PYQ क्वेश्चन है, 4 अगस्त को पूछा जा चुका है। इसमें बोला है कि आपका एक इक्वेशन गिवन दिया गया और इसमें बोला कि आप RP2 की वैल्यू निकालो, तो आपको सॉल्व करना होगा इसको। फिर क्या होगा, आप R की वैल्यू निकालोगे, फिर यहाँ पे R की वैल्यू रखोगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। आपको NPR का फॉर्मूला पता है, आप क्या करोगे, ऊपर हो जाएगा 10 factorial, नीचे क्या होगा R+3 है तो आप इसमें माइनस कर दोगे, 10 - R - 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और आप इसको इधर लेते जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 × 8 PR को आप ऐसे लिख सकते हो, 8 factorial अपॉन इसमें हो जाएगा 8 - R का फैक्टोरियल, लिख सकते हो। आप इसको सिंप्लीफाई करो, 10 factorial को आप लिख सकते हो 10 × 9 × 8 factorial लिख सकते हो। और जो आपका 10 - R - 3 है इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको हो जाएगा 7 - R का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा 90 × 8 factorial। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 8 - R, और इसमें से -1 करोगे तो कितना होगा, 8 - R - 1 करोगे तो 8 में से 1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7 - R factorial। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 8 factorial और 8 factorial यहाँ से क्रॉस आउट हो जाएगा, 7 - R factorial 7 - R factorial से क्रॉस आउट हो जाएगा। अब आपके पास देखा 10 × 9 90 होता है, ये भी क्रॉस आउट हो गया, यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे बचा 1, और इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा 8 - R = 1। और यहाँ से R की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, R = 7 निकल के आया। अब आपको RP2 की वैल्यू निकालनी है, RP2। अब R की वैल्यू में 7 पता चल गई है तो हम यहाँ पे 7 रख देंगे, और P क्या है, P, और यहाँ पे नीचे होगा 2। अब इसको सॉल्व करो तो ये निकल के आएगा 7 factorial, और नीचे क्या होगा, 7 - 2 factorial। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7 factorial, और नीचे आ जाएगा आपका 5 factorial। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 7 × 6 × 5 factorial, और नीचे क्या होगा, 5 factorial। 5 factorial से 5 factorial क्रॉस आउट हो गया, ये कितना आया, 7 × 6 = 42। तो जो आपका RP2 की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 42। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो ये टोटल पूरा क्वेश्चन हमने देख लिया, इसमें हमने पूरा कंप्लीट देखा, हमने कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन और आपका परम्यूटेशन का वो देखा, आपके जो ग्रेड असाइनमेंट 6 थे वो देखा, फिर उसके बाद जो PYQ क्वेश्चन पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर में उनके कुछ क्वेश्चन देखें। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो सेशन है काफ़ी आपको बेनिफिशियल होगा, आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।